तो ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको ऑडियो वीडियो इज क्लियर टेल मी ऑडियो वीडियो क्लियर है इसका वी कैन प्रोसीड देन यस ओके फाइन सो आज स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल अपन ने पढ़ा था पी एन जंक्शन

कि अगर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हो और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हो और उनको अगर हम ज्वाइन करें ज्वाइन करें मतलब एक पीएन जंक्शन बनाए तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए हमारे पास एक पी रीजन था एक एन रीजन था अगर हम दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे या पीएन जंक्शन बनाएंगे तो जो हमारा फर्मी लेवल है वो टोटली फर्मी लेवल क्या हो जाएगा अलाइंग हो जाएगा टोटल तो फर्मी लेवल अलाइंग हो जाएगा और जब फर्मी लेवल अलाइंग हो गया था तो अपन ने देखा था कि जो एन रीजन था एन टाइप सेमी था वो स्लाइटली क्या हो गया था डाउनवर्ड मूव हो गया था या फिर से राइटली ने देखा था, कि एक ऐसा था जहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था एनर्जी था एनर्जी फील्ड इंटेंसिटी तो हमने वो देखा था कि एक रीजन था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल था दैट रीजन इज कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन और अदरवाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस चार्ज रीजन उसी को ने डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन बोला था उसके बाद अपन ने देखा था कि जो हमारा जंक्शन है उसमें वेरियस कैसे कैसे वेरी करते हैं तो अपन ने देखा था पीक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने देखा था बिल्ट इन वोल्टेज अपन ने देखा था डिप्लीशन uh, वेट और डिप्लीशन वेथ मैंने बता दी थी, थी कि दोनों साइड में जो डिप्लीशन वेट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डोपिंग होती है जिस रीजन में डोपिंग ज्यादा होगी वहां डिप्लीशन वेट कम होगी जहां डोपिंग कम होगी वहां डिप्लीशन वेट ज्यादा होगी इसके बाद हमने पढ़ा था आपका जंक्शन कैपेसिटेंस और जंक्शन कैपेसिटेंस का एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का हमने पढ़ा था और वो भी मैंने बताया था कि ग्रेडिंग अगर हो तो ग्रेडिंग कोफिशियंट एन हमने देखा था ग्रेडिंग कोफिशियंट एन अपन ने देखा था वन बाई टू होगा तो स्टैप ग्रेडेड जंक्शन होगा वन बाय थ्री होगा तो लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन होगा और लास्टली आई टोल्ड यू कि लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन में जो हमारे पास डिप्लीशन बेट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है और बैरियर जो वोल्टेज होता है और बिल्ट इन वोल्टेज होता है उसका फार्मूला क्या होता है ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है अगर लीनियर ग्रेडिंग आती है इनकेस तो वैसे अभी तक गेट में ऐसा लीनियर ग्रेडिंग से डायरेक्टली क्वेश्चन आया नहीं है बट कि देख रहे हैं आप लोग आगे आगे देखते जा रहे हैं कि नए नए टाइप के टॉपिक या ऐसे ऐसे टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहे हैं गेट में जो कि पहले नहीं आते थे बट अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कुछ रिग्रस टॉपिक्स हैं जिसमें थोड़ा रिग्रस कैलकुलेशन है या फिर रिग्रस अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है ऐसे टॉपिक आजकल गेट में आते हैं तो इसीलिए मैंने आपकी उसके डिप्लीशन वेट और उसका बिल्ट इन वोल्टेज आपको दिखा दिया था उसको फाइंड कर मतलब वो उसका फॉर्मूला मैंने दिखा दिया था वो आप पॉइजन इक्वेशन से फाइंड भी कर सकते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस से सॉरी जस्ट वेट अ मिनट आई फॉरगॉट समथिंग जस्ट वेट वेट अ मिनट सॉरी तो जंक्शन uh, कैपेसिटेंस से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सॉरी फॉर दैट मैं लाइट ऑन करना भूल गया था हाँ तो जंक्शन कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज इतना है और जंक्शन कैपेसिटेंस इतनी है तो दूसरे किसी रिवर्स बायस वोल्टेज पे जंक्शन कैपेसिटेंस पूछ सकते हैं ठीक है और उसके बाद या फिर ऐसा आ सकता है कि जंक्शन कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया निकालने के लिए आ जाए कि सारा डोपिंग वगैरह एवरीथिंग इज गिवन टू यू डिप्लीशन वेट एंड सब कुछ दे दें और जंक्शन कैपेसिटेंस पूछ लेते हैं

टॉपिक आर फॉरवर्ड बायसिंग इन पी एन जंक्शन रिवर्स बायसिंग इन पी एन जंक्शन आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स जंक्शन कैपेसिटेंस विद बायाफ्टर बायसिंग जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होगी ऑल्दो वी हैव सीन दिसल वेट एंड डायोड रजिस्टेंसिस दीज आर दॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टूडे और आज ये पी एन जंक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कल के लेक्चर में स्पेशल डायोड्स पढ़ेंगे सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बायासिंग बायसिंग मतलब क्या होती है कि हमें कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया है पीएन जंक्शन पे तो क्यों हमें रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करने की तो कल अपन ने एक फॉर्मूला देखा था दैट फॉर्मूला वाज बैरियर वोल्टेज और बिल्ट इन वोल्टेज दिस वाज के टी बाय क्यू ने एन डी बाय स्क्वायर स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला था दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर बिल्ट इन वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज सो वट विल है टेम्परेचर विल है अपने पास कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनिशियली सो so ये वाला टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ये बढ़ेगा टेंचर बढ़ाएंगे तो दिस विल बी इंक्रीजिंग बट टेम्परेचर बढ़ाने पे वी नो एन आई स्क्वायर वैल्यू विल इंक्रीज बाय द लार्जर अमाउंट एनआई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा लार्जर अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगी अगर एनआई स्क्वायर की वैल्यू सॉरी इफ एन आई स्क्वायर इज स्क्वायर की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाए इनकेसो दल इफेक्ट वी विल सी की ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो लॉन्ग वैल्यू बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज होगी

हमारा जो आ, फर्मी लेवल था वो कुछ ऐसे था ये आपको याद आ रहा होगा दिस वॉज पी टाइप दिस इज एन टाइप और यहां पे ये फर्मी लेवल डायग्राम था ऐसे और इस फर्मी लेवल में एक रफ एस्टिमेशन मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये हमारी जो एनर्जी होती है दिस इज ई नॉट दैट इज क्यू वी बी आई ये बैरियर वोल्टेज था तो कल ईडीसी की सिंपल लैंग्वेज बुक है रॉबर्ट एफ पियर रॉबर्ट एफ पियर और मतलब और भी हैं और भी बुक्स हैं जैसे ई डी सी की मिलमैन अल क्या था पढ़ सकते हो इफ़ यू उसमें थोड़ी लैंग्वेज इतनी ज्यादा ईजी नहीं मिलेगी बट रॉबर्ट एफ पीर इज गुड वन यू कैन गो विद इट ओके सो क्या था ये बैरियर था ये बैरियर था आपका किसका ये था आपका ई सी पी और ये था ई सी एन ई सी पी और ई सी एन में ये बैरियर था तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है मेजोरिटी कैरियर होते हैं एन साइड में यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में बट दीज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव बिकॉज ऑफ दिस बैरियर बैरियर ये ये है और इलेक्ट्रॉन यह यहां पे नहीं जा पा रहे हैं अगर एन के इलेक्ट्रॉन पी में आ जाए और पी के होल्स एन में चले जाए तो फिर हमारा डिफ्यूजन हो जाएगा और डिफ्यूजन हो जाएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी तो अपनी बायसिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा बट इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां भेजने के लिए ये तो ये क्या हो रहा है ओवर द बैरियर जा रहा है ओवर द बैरियर जब भी हमारे चार्ज पार्टिकल ओवर द बैरियर मूवमेंट करते हैं इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम मूविंग ओवर द बैरियर ओवर द बैरियर जब मूव होता है तो इसको बोलते हैं थर्मियोनिक थर्मियोनिक एमिशन एंड जब ओवर द बैरियर ना जाके ये क्या करते हैं बैरियर को पेनिट्रेट करते हुए जाते हैं मतलब बैरियर के ऊपर से नहीं जाते बैरियर को पेनिट्रेट करते हुए जाते हैं तब अपन इसको बोलते हैं टनलिंग तो अभी ये जो पोर्शन है ये 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 जो अभी अपन लोग बात कर रहे हैं है आपका थर्मियोनिक तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे कब जब हमारा ये बैरियर कम हो अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आ पाएंगे तो इस बैरियर को कम करने के लिए अपन लोग पास एक ये तरीका है कि टेम्परेचर बढ़ाएं बैरियर कम होता जाएगा बट ये जो बैरियर में जो डिक्रीमेंट आएगा ड्यू टू टेम्परेचर दैट डिक्रीमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल सो वी रिक्वायर्ड वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर टू सप्रेस दिस बैरियर इस बैरियर को सप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा एक टेम्परेचर देना पड़ेगा लेकिन उस टेम्परेचर पे इट माइट बी पॉसिबल सेमी कंडक्टर डिवाइस विल नॉट वर्क ऐसा हो सकता है कि उस टेम्परेचर पे सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज ही बहुत ज्यादा चेंज हो जाए और ये डिवाइस वर्क ही ना करे ऐसा भी हो सकता है तो इसीलिए टेम्परेचर को डिक्रीज करके बैरियर को बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज नहीं मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करके बैरियर को डिक्रीज नहीं किया जाता है और नहीं कर सकते हैं हम बिकॉज बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा तो इसी से बचने के लिए एक टर्म आया कि अगर मुझे ये डिफ्यूजन करवाना है सो आई कैन प्रोवाइड बायसिंग टू दिस सेमी कंडक्टर बायसिंग मतलब एक एक्सटर्नल हम पोटेंशियल लगाएंगे या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे जिसकी वजह से ये जो बैरियर है ये कम हो जाएगा तो ये बैरियर किसकी वजह से था आई होप यू रिमेंबर कि अपने पास यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल था दैट दिल्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड ये फील्डेन इलेक्ट्रिक फील्ड था बिल्टे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था N region region था एन रीजन रीजन से पी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन ऐसे था ये हमारे पास बिल्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दू इसका अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा दिस बैरियर विल स्टार्ट सप्रेसिंग ये बैरियर जो है सप्रेस होने लगेगा मतलब एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस बैरियर को सप्रेस करने लगेगा ठीक है तो वो बैरियर को सप्रेस करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, सपोज एक मैंने अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो ई ई अप्लाइड, अप्लाइड की जो डायरेक्शन है दिस डायरेक्शन इज दिस एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज दिस तो जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ जाएगा ई e अप्लाइड माइनस बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं ये बोल रहा हूं जब हमारा बिल्ट बिल्टन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लार्जर होगा बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड से तब ये होगा तो क्या हो जाएगा बैरियर सप्रेस हो जाएगा तो जैसे जैसे हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज हम अचीव कर ही पाए बट अभी समझाने के लिए लिख दिया आगे जाके अभी मैं फॉरवर्ड मैसेंग में बताऊंगा इट इज नॉट इजी टू अचीव तो मैं ये बोल रहा हूं जैसे जैसे अपन लोग ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से बैरियर होगा तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे जीरो से आगे में बढ़ता रहा बढ़ाते रहूंगा तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा दिस जैसे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्डिंग एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है दिस इज द रफ रफ एनर्जी बैंड डायग्राम है अपना अगर मैं बात करूं रियल में जो एनर्जी बैंड डायग्राम होना चाहिए था इट वॉज लुक लाइक दिस ये जो बैंड कंडक्शन बैंड that will be ये जो है पैराबोलिक था याद आ रहा होगा आपको अपन ने पैराबोलिक देखे थे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दिस इज आल्सो द वैलेंस बैंड दिस इज आल्सो द वैलेंस बैंड सो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सपोज यहां पे लूं इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हायर एनर्जी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाने के लिए ऑन n to p जा सकते हैं हां इलेक्ट्रॉन n uh, n to p जा सकते हैं तो भी N होना चाहिए। ही e तो 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 है है, ये ये यहाँ पे P था, यहाँ पे N था, था, अपन ने से N लगाया, बट अपने पास तो इसीलिए के इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जा सकते लेकिन पी रीजन के इलेक्ट्रॉन एन में जा सकते हैं बट ओपन सर्किटेड सिस्टम है ओपन सर्किटेड सिस्टम है तो विल बी जीरो तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा काउंटर बैलेंस हो जाएगा तो

लोअर से हायर एनर्जी नहीं जा पाते बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के सिमिलरली जो होल्स होते हैं वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी नहीं आ पाते बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के तो यहां से ये होल्स ऐसे नहीं मूव कर पाएंगे बट ऐसे मूव कर सकते हैं सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कैन मूव लाइक दिस ऐसे मूव कर सकता है बट दिस मोशन इज नॉट पॉसिबल तो क्या होगा जैसे जैसे अपन लोग ये बैरियर सप्रेस करेंगे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं वो कहां लाई करते हैं द इलेक्ट्रॉन आर लाइंग यूजली एट द एजिस आई होप यू रिमेंबर कि मैं बता रहा था कि यहां ये एजिस पे लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे ये लाई करते हैं तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे अपन लोग ये बैरियर कम करेंगे बैरियर कम करेंगे तो दीज इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन और थोड़ा बैरियर कम करेंगे सो दीज इलेक्ट्रॉन विल मूव और थोड़ा बैरियर कम करेंगे दीज इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूव और थोड़ा बैरियर कम करेंगे तो ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स

विल बी मूविंग फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन होस पी रीजन से एन रीजन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन आई रीड दिस इन नीम एंड यस्टरडे एम स्टार बिकम्स नेगेटिव एंड सो ई मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके दैट इज ऑल्सो करेक्ट आई थिंक नॉन लीनियर कर्व होना चाहिए बिकॉज ये ये जो है ना ये जो अपन ने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है ये जो अपन ने एनर्जी बैंड ये अप्रोक्सीमेटेड एनर्जी बैंड डायग्राम है और रफ एनर्जी डायग्राम अपन ने बना लिए समझने के लिए ताकि अपन फर्मी लेवल को बना पाए बट जो रियल में एनर्जी बैंड डायग्राम है वो वैसे ही बनता है वो कर्व बनते हैं ना खूब सारे और ये जो मैंने एक कंडक्शन बैंड दिखाया है लेकिन मल्टीपल कंडक्शन बैंड बनते जाते हैं जिसे आप लोग सुना होगा सैटेलाइट वैली सैटेलाइट वैली का नाम सुना होगा आप लोगों ने तो क्या होता है एक कंडक्शन बैंड होता है उसके ऊपर फिर एक और कंडक्शन बैंड बनता है और पहले कंडक्शन बैंड के लिए दूसरा कंडक्शन बैंड जो होता है वो सैटेलाइट वैली की तरह दिखाई देता है ठीक है तो मल्टीपल कंडक्शन बैंड बनते हैं मल्टीपल छोटे छोटे आगे जाके और बनते जाते हैं बट वी कंसिडर द सेंट्रल वैली इसे बोलते हैं सेंट्रल वैली कंडक्शन बैंड की फिर उसे बोलते हैं सैटेलाइट वैली बट सैटेलाइट वैली वी नेवर कंसिडर फॉर सिलीकन एंड जर्मेनियम जर्मेनियम के लिए भी कर सकते हैं वैसे कंसिडर बट वी यूजली कंसिडर फॉर गैलियम आर्सेनाइट गैलियम आर्सेनाइट एक ऐसा मटीरियल है जिसमें सैटेलाइट वैली बहुत पास में होती है कंडक्शन बैंड के बहुत पास होती है और कंडक्शन बैंड के पास होगी तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है और सिलिकन में और जर्मेनियम में थोड़ा दूर होती है कंडक्शन बैंड से तो इसीलिए उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होता इन सिलीकन एंड जर्मेनियम तो कंडक्शन और जो गैले मार्चनाइट है उसमें वो इफेक्ट होता है तो गैले मार्चेनाइट से आपने सुना होगा कि टनल डायोड डायोट है तो टनल डायोड में जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है वो सैटेलाइट वैली की वजह से ही होता है तो बेसिकली ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम अपन ने ये बनाया है ना दैट लुक्स लाइक समवट लाइक दिस ऐसे दिखाई देता है एक्चुअल में ये ऐसे हैं बैंड्स ये पैराबोलिक बैंड्स हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो जैसे जैसे अपन लोग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे वैसे वैसे, वैसे बायसिंग होगी कॉलेज में नहीं सिखाते ये मैं मानता हूं चलो ठीक है अच्छी बात है बट यहां तो सिखाया जा रहा है यहां सिखाया जा रहा है ना तो यहां पे ही सीख लो यार कोई दिक्कत नहीं है कहीं ना कहीं से बस ज्ञान बढ़ रहा है कहीं से भी ले लो मतलब हो सकता है मेरा मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे हो सकता है किसी और का पढ़ाया हुआ अच्छा लगे वो ज्यादा आपको नॉलेज दे अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं ठीक है तो जैसे जैसे अपन लोग ये बैरियर कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट बिकॉज ऑफ दिस की रिक्वायरमेंट क्या है लेट्स मूव देन अब सबसे पहले जो हमारी बायसिंग होती है फॉरवर्ड मतलब होता है कि जो मेजोरिटी कैरियर्स है चाहे वो पी रीजन के हो या एन रीजन के हो दैट मस्ट बी क्रॉसिंग द पॉजिटिव कैरियर मस्ट बी क्रॉसिंग बायसिंग में हमें majority carriers को junction को cross करवाना है. Same, N के इलेक्ट्रॉन एन से पी में चले जाए और पी रीजन के होल्स पी रीजन से एन रीजन में चले जाए तो उसको अपन बोलेंगे क्या फॉरवर्ड बायसिंग सही है तो बेसिकली वही अपन को करना है कि एक अपने पास मान लो मान लो कि एक अपने पास पीएन uh, जंक्शन uh, है सपोज दिस इज द पीएन जंक्शन अवेलेबल टू यू एंड

इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसके बाद अगर मैं यहां पर तो बायसिंग कैसे लगनी चाहिए कि हमारा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए तभी हमारा बैरियर कम होगा ठीक है तो अपोजिट होना चाहिए तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए दिस डायरेक्शन दिस इज ई अप्लाइड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी मैग्नीट्यूड पे ज्यादा ध्यान मत देना अभी और अभी और लेट मी जस्ट रिमूव अ बिट मैग्नीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान मत देना बिकॉज मैग्नीट्यूड वाला जो पोर्शन है कि कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए दैट आई विल शो यू तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कब होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जनरेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव टर्मिनल सो

भले ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ईबीआई से कम हो कितना भी हो सपोज ये है आपके पास 10 और ये है 2 तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अब 8 हो जाएगा ना पहले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था 10 अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 8 सिर्फ तो थर्मल वोल्टेज की वीडियो ही चैनल में आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग समझ में नहीं आया थर्मल वोल्टेज ओके okay. ईबीआई जो होगा जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम हो जाएगा जैसे जैसे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो बैरियर कम होगा और अगर बैरियर कम होगा सो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द टुवर्ड्स पी रीजन एंड रीजन से पी रीजन आ जाएंगे और पी रीजन के होल्स एन रीजन में जाने लगेंगे सो वेन दिस हैपेंस वी कैन से द इलेक्ट्रॉन्स हेयर विल बी मूविंग हेयर एन रीजन टू पी रीजन दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ऑफ एंड होल्स ऑफ पी रीजन विल बी मूविंग टूवर्ड्स बट इफ वी आर टॉक अबाउट ऑफ एन रीजन अगर एन रीजन के लेक्चर टू में था इंस्टेंस रिलेशन से तो वो मिला नहीं थर्मल की वीडियो ही चैनल में अच्छा मतलब सेकेंड वाले लेक्चर का वीडियो गलत है

अगर मेजोरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव आउटसाइड द डिवाइस और आउटसाइड द कोअल एंड इलेक्ट्रॉन जो है आउटसाइड को एंड बाउंड मूव करेंगे सो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग लाइकवाइज दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ इट कम्स बैक जितनी देर में होल्स यहां से यहां पहुंचेंगे उतनी देर में इलेक्ट्रॉन पूरा ही कंप्लीट साइकिल करके आ जाएंगे एंड दीज होल्स विल नॉट गो आउट ऑफ द डिवाइस वो डिवाइस से बाहर नहीं जाएंगे स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जा पाएंगे इलेक्ट्रॉन कैन मूव आउटसाइड वो वायर में मूव कर सकता है बट होल कैन नॉट मूव आउटसाइड द डिवाइस और आउटसाइड द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से बाहर मूव नहीं करेगा होल इलेक्ट्रॉन कैन मूव आउटसाइड द स्ट्रक्चर बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन बट होल फ्री होल होल्डर हो सकता है कि होल बाहर नहीं जाएगा जब मैं पीटाई पढ़ा रहता था मतलब होल जो है वो मोस्टली uh, बाहर नहीं जाते हैं तो हमने पढ़ा है दट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर होल मोबिलिटी फॉर

इलेक्ट्रॉन फ्लो तो करंट की डायरेक्शन आ जाएगी ये और ये करंट फ्लो हो रही है तो ये फॉरवर्ड बायस में फ्लो हो रही है इसलिए आई एम राइटिंग आई एफ आई एफ इंडिकेट्स द फॉरवर्ड करंट यहां पे ये आ जाएगी फॉरवर्ड करंट तो टोटल ये हो जाएगी आपकी फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन होल्स एन टाइप में गए उनका क्या होगा ओके okay, होल्स यहां से एन टाइप से आ, मतलब होल्स जो है पी से एन में गए Recombine हुए recombine हुए तो फिर से जब रिकॉम्बिनेशन होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में तो एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ हीट और हीट के फॉर्म में फिर से कोल एंड बॉन्ड ब्रेक होंगे फिर से इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे फिर साइकिल कंप्लीट होगा फिर से वो रिकम्बाइन होंगे फिर तो ये जनरेशन रिकॉम्बिनेशन जनरेशन रिकॉम्बिनेशन दैट विल गोस टूगेदर ये एक साथ चलता रहेगा इट विल गो इन टू दी टाइप एंड कंप्लीट द साइकिल हाँ तो ये यहां पे रिकम्बाइन होगा फिर यहां जनरेट हो जाएंगे यहां पे यहां पे रिकम्बाइन होंगे तो यहां जनरेट हो जाएंगे ऐसे करके जनरेशन रिकॉम्बिनेशन चलता रहेगा पूरे स्ट्रक्चर में पी टाइप और एन टाइप में है। डिवाइस है? So और, और ये जो है हमारी फॉरवर्ड करंट है ठीक है तो फॉरवर्ड बायस में ये है तो अपन लोग देख रहे हैं कि अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायस में ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज ये वोल्टेज तो ये तीन पॉसिबिलिटी होंगी Okay, क्या okay? मतलब, मतलब, तो, uh, मतलब, है तो डिपेंड करेगा क्या आप कहना चाह रहे हो कॉन्स्टेंट uh, मतलब एक जगह स्टेगनेंट बोल रहे हो आप क्या स्टेगनेंट मतलब एक जगह रुका हुआ रुका हुआ हो सकता है उल? जब ये सो होल वाज स्टेगनेंट उस कंडीशन में जो होल था वो स्टेगनेंट था ठीक है, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी आएगा मतलब ऑलरेडी है ऐप पे अवेलेबल है पीडब्ल्यू के चल रहा है ऑलरेडी पराक्रम बैच और श्रेष्ठ बैच चल रहे हैं ओके सो ये जो हमारे पास पूरा ये ऑपरेशन है ये अपन ने ये जो देखा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो है ऐसे है। तो अपन लोग देख रहे हैं जो हमारा अप्लाइड वी जो है ये अप्लाइड वोल्टेज है एंड VBI जो था वो बिल्ट इन वोल्टेज है नाउ तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं अपने पास तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वन वी अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन वीबीआई अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन बिल्ट इन वोल्टेज सेकेंड पॉसिबिलिटी आई एम टेलिंग दैट अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू बिल्ट इन वोल्टेज

फर्स्ट वाली कंडीशन में ये पॉसिबल है सेकंड कंडीशन में पॉसिबल है या थर्ड कंडीशन में पॉसिबल है कोई बता सकता है कम ऑन फर्स्ट में ओके okay. बहुत बढ़िया फर्स्ट में ही हो जाएगा सेकंड और थर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दिवाकर फर्स्ट ओके फर्स्ट ओके तो शायद आपने समझ लिया उस चीज को थर्ड दिवाकर थर्ड ओके okay. ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस लेट मी एक्सप्लेन दिस अपन ने डिप्लीशन विट पढ़ी थी तो डिप्लिशन विट का जो फॉर्मूला होता है बायस केस में, वो टू एस बाय प्लस वन बाय डी इंटू वी बी आई माइनस वी आई होप यू रिमेंबर दिस वीबीआई माइनस वी ए था सॉरी यह व्हाइट दिखेगा नहीं इसलिए मैंने नीचे लिख दिया VBI v ये था ना अपने पास formula. तो लेट्स टेक दिस टू मतलब ले लेते हैं तो है, तो केस ये, ये में वीबीआई और वी इक्वल हो जाए तो डिप्लीशन वेट हमारी हो जाएगी जीरो ठीक है और डिप्लीशन वेट होती क्या है ये, ये है आपकी डिप्लीशन वेट यहां से

तो क्या 0.85 वोल्ट डीसी वोल्टेज लगाने के बाद क्या आप उस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को सेपरेट कर पाओगे डाइपोल पास पास बना लेंगे, बना लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, बहुत ही पास होते हैं डाइपोल तो बना लेते हैं क्या वो डाइपोल और क्या वो, वो, वो जो एनर्जी है उनके बीच में वो आप ब्रेक कर पाओगे पॉइंट एट फाइव वोल्ट क्या पॉसिबल है 0.85 वोल्ट पे वो ब्रेक कर पाना दो आयंस को अलग-अलग कर पाना क्या पॉसिबल है बता सकते हो आप क्या पॉसिबल होगा ये क्योंकि डिप्लेशन विड्थ जीरो हो रही है मतलब यहां डिप्लेशन विड्थ जीरो हो गई है मतलब यहां पे कोई भी पॉजिटिव आयन और कोई भी नेगेटिव आयन लाई ही नहीं कर सकता जीरो हो गई है जीरो लेंथ पे कुछ भी लाई नहीं करेगा कुछ भी लाई नहीं करेगा जीरो लेंथ पे सो so, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ब्रेक वो ब्रेक नहीं होगा एंड दिस केस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल ये केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाहे आप कितना भी लगाएं, 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 कितना कितना भी भी मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं। forward bias voltage कितना भी लगाएं? Depletion finite होगी ही होगी, डिप्लीशन वेट फाइनाइट होगी कैन नॉट बी जीरो का मतलब है कि जो positive और negative है, वो खत्म हो गए अब वहां पर नहीं लाई कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल अगर तीसरे केस में देखते हैं V इज ग्रेटर देन है V की वैल्यू VBI से ज्यादा है V अगर ग्रेटर देन VBI हो जाए तो हमारी जो डिप्लीशन विड्थ होगी दैट विल बी इमेजिनरी दिस डिप्लीशन विड्थ विल बी इमेजिनरी इमेजिनरी मतलब समझ रहे हो कि जो एन टाइप के एन टाइप में जो पॉजिटिव आयंस है वो पी में चले गए और पी के जो नेगेटिव आयंस है वो एन में चले गए डिप्लीशन इमेजिनरी क्या ऐसा पॉसिबल है लाई करें और एक्सेप्टर टाइप में लाई करें ये नहीं है डिप्लिशन विध जीरो ही नहीं हो सकती तो इमेजनरी होने का तो सवाल ही नहीं उठता सो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल ये पॉसिबल नहीं है these, these ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है एंड दैट केस इज दिस वन तो जब भी अपन लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड बायस में तो वो वोल्टेज हमेशा बिल्ट इन वोल्टेज से कम होता है द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन द बिल्ट इन वोल्टेज ऑलवेज ऑलवेज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस द पी एन जंक्शन इज ऑलवेज लेस देन द बिल्ट इन वोल्टेज हमेशा तो आप बोलोगे कि नहीं हमने तो देखा है हमने तो सिलिकॉन डायट पे पांच वोल्ट भी लगाया था बट बत आप बता रहे हो कि पॉइंट एट फाइव वोल्ट से कम होना चाहिए हमने पांच वोल्ट भी लगाया तो आपने देखा होगा वो बिल्ट इन वोल्टेज आपने देखा होगा पॉइंट एट फाइव है आपने पांच वोल्ट लगाया होगा तो वो जो डायोड था ना वो पीएन जंक्शन के अक्रॉस पांच वोल्ट नहीं लगाया आपने एक साथ में रजिस्टेंस लगा होगा एक ऐसे डायोड बना होगा और एक यहां पे रजिस्टेंस लगा होता है तब आप यहां ये यह वोल्टेज लगाते हो ऐसे ये वोल्टेज आप पांच वोल्ट लगा सकते बट डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन ये से कम होगा तो जितना आप एक्सेस वोल्टेज दे रहे हो वो सारा का सारा वोल्टेज वो सारा का सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप आ जाएगा यहां पे ये, ये आ जाएगा, जाएगा। मान लो जाएगा इस रजिस्टेंसिस्टेंस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रजिस्टेंस लिमिटिंग रजिस्टेंस मतलब वोल्टेज को या पी एन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज को लिमिट कर देगा एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा और जितना भी ज्यादा वो एक्सेस वोल्टेज में होगा वो सारा का सारा इसके अक्रॉस ड्रॉप आ जाएगा सो आई होप आप लोगों ने पांच वोल्ट लगाया हो दस वोल्ट लगाया हो पचास वोल्ट लगाया हो सारा का सारा कहा आ जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप आ जाएगा डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हमेशा क्या होगा ये वोल्टेज हमेशा वीबीआई से कम होगा समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है अब देखो मैं आपको दिखाता हूं मैं आपको थोड़ी देर पहले यही चीज समझा रहा था कि अपन लोगों ने बैरियर कम किया तो बैरियर जीरो करने की जरूरत नहीं है फ्लो के लिए बैरियर को धीरे धीरे कम करते जाओ तो ये फ्लो होता जाएगा और इसको ऊपर उठाओगे थोड़ा सा ये भी फ्लो हो जाएंगे और ऊपर उठाओगे ये भी तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन नॉट ऑल मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन रीजन विल बी रीचिंग टू द पी रीजन विदाउट विदाउट मेकिंग द बैरियर टू बी जीरो बैरियर को जीरो बनाने से पहले ही मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पी रीजन से एन रीजन में चले जाएंगे क्लियर है ये ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ये ये थोड़ा सा ना ये वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा मतलब डाउटफुल uh, रहता है लोगों में कि यही एक पॉसिबल uh, केस है और इसी पॉसिबल केस में वी विल वी विल से दी एन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस और फॉरवर्ड बायस में हो क्या रहा है हैव सिग्निफिकेंट मोमेंटम टू ब्रेक थ्रू द बैरियर ब्रेक थ्रू द बैरियर नहीं विल गो गो अब द बैरियर

वो टनल थ्रू वाला नहीं है कि वो बैरियर से इधर आ जाए ऐसे इस ये जो है, इसको क्रौस, क्रौस कर रहे, रहे हैं टनल है। है। नहीं कर रहे हैं याद रखना टनलिंग इज पॉसिबल इन हाईली डोप्ड डायोड्स मॉडरेट डोप और लो डोप डायोड में टनलिंग नहीं होती है वो वेरी हाईली डोप्ड डायोड्स होते हैं जहां पे टनलिंग होती है ठीक है तो वहां पे ये ऐसा हो जाता है कि पी रीजन का इलेक्ट्रॉन एन रीजन के पी रीजन के बैलेंस में से एन रीजन के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है डायरेक्टली हाईली डोप डायोड में देखेंगे वो केस अपन जेनर डायोड कल पढ़ेंगे कल ही होगा आ इट्स ओके इट्स ओके अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बस जस्ट मेक यू क्लियर अबाउट इट ठीक है नेक्स्ट है बट सर रजिस्टर होता हटा दें तो रजिस्टर हटा दें तो ओके okay. ये रजिस्टर आपने हटा दिया ये रजिस्टर्स हटाया और इसके अगर पांच वोल्ट लगाया डायोड जल गया बर्न हो गया बर्न इट विल नॉट वर्क नाउ अब ये बर्न हो गया अब दूसरी डिवाइस लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे बिकॉज अभी आप देखोगे मैं फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन आपको बताऊंगा तो फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन शायद आपको याद भी हो दैट आई नॉट इन टू दी पावर वी बाय माइनस वन वो आपको याद होगी इक्वेशन उस इक्वेशन में जो फॉरवर्ड वोल्टेज है ना वी उसको फाइव वोल्ट रखना और फिर बाकी सारे नॉर्मल पैरामीटर्स ले लेना बाकी सारे नॉर्मल पैरामीटर देखना तो फाइव वोल्ट रखने के बाद आप देखना करंट कितनी होगी उतनी डायोड करंट करंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती डायोड की उतनी वो डायोड बर्न हो जाएगा जल जाएगा उतने पे। उतने वोल्टेज पे पे वोल्टेज लीक हो जाएगा वो डायोड तो बेसिकली इतना वोल्टेज हम कभी भी तब भी लगाएंगे जब भी हमारे पास ये वोल्टेज लगाना होगा तो एक रेजिस्टेंस लगा के लगाएंगे अदरवाइज डिवाइस ही बर्न हो जाएगी खत्म हो जाएगी सही है क्लियर है ओके सॉरी सो

और अच्छे से और इससे अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा सो so दो ढाई घंटे तो इसी में लग जाएंगे एक्सप्लेन करने में कि कैसे ड्रिफ्ट पार्ट भी होता है बट आई विल शो यू बाई यूजिंग फॉर्मूला तो इसमें डिफ्यूजन होता है तो मेजर पार्ट जो मेजोरिटी पार्ट होता है और मेजर पार्ट जो होता है वो होता है डिफ्यूजन स्लाइट पार्ट ड्रिफ्ट इज ऑल्सो अवेलेबल वी कैन निगलेक्ट दैट पार्ट क्योंकि डिफ्यूजन बहुत हाई अमाउंट में होता है ड्रिफ्ट बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है तो ड्रिफ्ट पार्ट कैन बी निगलेक्टिंग कैन बी निगलेक्टिंग सो मेजर मेजर जो पार्ट है करंट का वो है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को दिस इज नाउ क्लियर फॉरवर्ड बायस में तो फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन कराते हैं अपन और फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज uh, अप्लाई करने के बाद मेजोरिटी कैरियर विल बी क्रॉसिंग द जंक्शन दिस इज द द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग हमेशा वी लेस देन वी बी पे ही होती है सही है नाउ लेट्स गो फॉर फॉरवर्ड करंट तो फॉरवर्ड करंट फॉरवर्ड करंट का फार्मूला है तो मैं बता दे रहा हूं आपको ओके फॉरवर्ड करंट का फॉर्मूला है वो लिख लेंगे तो फॉरवर्ड करंट में मैं आपको करके दिखाता हूँ वैसे तो ये ये जो बना हुआ है ना ये पूरा ये डायग्राम ये बना हुआ है कंटिन्यूटी इक्वेशन से बट नी नॉट वरी अबाउट इट कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग कल परसों पढ़ेंगे परसों उसको पढ़ भी लेंगे लेकिन ये बस कर्व अभी देख लेना कैसे समझ में आ रहा है मैं बताऊंगा ये कैसा हो रहा है तो क्या हो रहा है कि मान लो कि ये है आपका एन टाइप ये एनटाइप सेमी कंडक्टर है

एनडी इज ग्रेटर तो पक्का है कि एनडी ज्यादा होगा तो वहां पर माइटी कैरियर कम होंगे N -type में, और पी टाइप में माइटी कैरियर ज्यादा होंगे कोशिश भी की है ओरिजिन है तो यह एन टाइप में माइटी कैरियर कम है माइटी कैरियस सी उनका मैग्निट्यूड जो है माइटी कैरियस का वो ज्यादा दिखाया है मैंने ऐसा कोशिश करी है कि मेनटेन करके चलू चीजों को उसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉनस पहले से थे ये इलेक्ट्रॉन इतने इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं पी टाइप में लेकिन रीज़न के इलेक्ट्रॉन भी तो पी में आए तो एन रीजन से कुछ इलेक्ट्रॉन पी में आए तो कितने इलेक्ट्रॉन आए तो ये तो पहले से थे और कुछ आ गए और कुछ आ गए और टोटल जो इलेक्ट्रॉन एन से, से आए हैं जो एन से आए ये एन प्राइम ऑफ जीरो को आप ऐसे भी लिख सकते हो एन प्राइम ऑफ जीरो बट डेल्टा एन जीरो का मतलब है मतलब

यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो थे एंड रीजन में इलेक्ट्रॉन्स तो थे बहुत सारे लेकिन पी में कितने पहुंचे उससे थोड़े से कम पहुंचे बिकॉज ऑफ इंजेक्शन इफिशियंसी अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं इंजेक्शन इफिशियंसी लिख दे रहा हूं इंजेक्शन इफिशियंसी वन ये मैंने अज्यूम किया ठीक है ऐसा अजम्पन लेके मैं चल रहा हूं अगर इंजेक्शन इफिशियंसी वन से कम होगी तो ये यहाँ पे डिक्रीज करेगा और ये भी डिक्रीज करेगा ऐसे ठीक है वो फिगर भी दिखा दूंगा बट इट नॉ नी नॉट नेसेसरी टू गो विद दैट बट अपने को करंट की इक्वेशन देखनी है तो वो समझ में आ जाएगी यहां से तो उसके बाद यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहां पे स्टडी स्टेट इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन कम है और टोटल इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो अपन को पता है इलेक्ट्रॉन और होल जो भी हो वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन फ्लो करेंगे सो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है एंड दिस हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जो फ्लो होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है एक्सपोनशियली आता है इंजेक्ट होकर आए थे ये कितने थे एन प्राइम ऑफ जीरो अगर मैं इतने की बात करूं ये, ये इतना ये कितना है यहां पे ये कितना हो जाएगा सॉरी नॉट दिस दिस

हमेशा याद रखना हमेशा का मतलब हमेशा एवरीवेयर इट विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर इट विल बी यूजफुल फॉर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम स्टेटमेंट आपको बताऊंगा एक्सिस माइटी है तो वो डिफ्यूजन देगा स्टडी स्टेट माइटी कैरियर कंसनट्रेशन है तो वो ड्रिफ्ट देगा ठीक है तो यहां पर यह डिफ्यूजन हो रहा है इस डिफ्यूजन की वजह से अब अगर मैं बोलूं तो अपने पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए एन ऑफ जीरो की और ये पी ऑफ जीरो की अगर ये वैल्यू मुझे पता चल जाएगी तो मैं बता सकता हूं कि कितना डिफ्यूजन हुआ है बिकॉज़ दिस वैल्यू वी कैन फाइंड ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी ये वैल्यू पी टाइप में होल कंसंट्रेशन सॉरी पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है तो ये होगी n i स्क्वायर अपॉन n a ये तो होगी n i स्क्वायर अपॉन n a ये कितना होगा n i स्क्वायर अपॉन n d ये आपका होल कंसंट्रेशन स्टेडी स्टेट होल कंसंट्रेशन इन एन टाइप तो तो ये तो अपन को पता है ये वैल्यू अपन को पता है और ये वैल्यू अपने को अगर पूरी पता हो जाए तो ये अपनी निकल आएगी कि, कि कितने इलेक्ट्रॉन एन से पी में आए हैं और कितने होल्स पी से एन में गए हैं ये अपने को पता चल जाएगा तो ये निकालने के लिए अपन बोलते हैं कैरियर कंसंट्रेशन एट द एज ऑफ द डिप्लीशन रीजन कैरियर कंसनट्रेशन निकाल रहे हैं फॉरवर्ड कंसंट्रेशन एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन ये एज ऑफ डिप्लीशन रीजन ये निकालना है अपन को पी एफ जीरो इसकी जो वैल्यू होती है अगर मैं बात करूं एन ऑफ जीरो की एन जीरो होगा आपका एन नॉट और एन ऑफ जीरो निकाल रहे हैं ये तो एन पी नॉट एन पी नॉट लिख लेता हूं एन पी नॉट ई टू दावर क्यू वी बाय के टी और यू कैन राइट इट लाउ लाइक वाइज एन पी नॉट ई टू दी पावर वी बाय थर्मल वोल्टेज बी टी वी जो है यहां पे वो अप्लाइड वोल्टेज है

रीजन से पी रीजन में इंजेक्ट हुए ये टोटल पी रीजन में पी रीजन में डिप्लीशन एज पे कितना इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है तो बोल सकते हैं इसे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट द एज एज ऑफ ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिप्लीशन रीजन रीजन इन पी साइड पी साइड में पी साइड में डिप्लीशन रीजन की एज पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऐसे ही अगर मैं होल कंसंट्रेशन निकालूं, एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन इन एन साइड तो वो क्या हो जाएगा पी एन नॉट ई टू दावर क्यू वी बाय और अदरवाइज यू कैन रिटेन एट पी एन नॉट ई टू दावर वी ये वैल्यू हो जाएगी दिस इज द वैल्यू और ये ना पता निकालना बड़ा आसान है डोंट वरी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये फार्मूला कहां से आ गया अपन ने कल बिल्टिन वोल्टेज निकाला था ना बिल्टिन वोल्टेज का फॉर्मूला ने निकालना था ना वी बी आई इज इक्वल टू के टी बाई क्यू ने था ना अपने वो फॉर्मुला फिर पी वन में रख दिया था होल कंसन एट पॉइंट वन पी टू पे रख दिया था होल कंसन एट पॉइंट टू सेम चीज आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो वो मैंने करके इसीलिए दिखाया था कि ये है आपका पॉइंट वन ये है आपका पॉइंट टू ये यहां पे पॉइंट टू है 0.1 और 0.2 में अगर आपको देखना है तो आपने अप्लाई किया है वोल्टेज वोल्टेज अप्लाई करने से ही ये यूं आ रहा है तो वोल्टेज अप्लाई किया आपने v v वोल्टेज अप्लाई किया उसकी वजह से आप ये निकालोगे ये वाला कंसंट्रेशन निकाल पाओगे इजीली निकल जाएगा उसी डेरिवेशन से सेम ओके सो ये है आपका होल कंसंट्रेशन एट द एज ऑफ एज ऑफ डिप्लीशन रीजन रीजन इन एन साइड एन साइड में डिप्लीशन रीजन की एज पे होल कंसंट्रेशन विल लुक लाइक दिस तो अब अगर मैं बात करूं कि टोटल वैल्यू पता है एनजीरोना तो होगा एन प्राइम ऑफ जीरो माइनस एनपी नॉट प्राइम ऑफ जीरो अगर निकालें तो यह हो जाएगा एन ऑफ जीरो माइनस एन पी नॉट सो एन प्राइम ऑफ जीरो माइनस एन पी नॉट तो यहां से एन प्राइम ऑफ जीरो अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा एनपी नॉट ई टू दावर सॉरी एनपी नॉट इज कॉमन ओके ई टू दी पावर क्यू वी बाय के टी माइनस वन यह आ जाएगी इक्वेशन यह आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और सॉरी एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो एन रीजन से पी रीजन में इंजेक्ट हुआ है एन रीजन से पी रीजन में इंजेक्ट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आ जाएगा सिमिलरली अगर मैं होल कंसंट्रेशन निकालू तो पी प्राइम ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू पी ऑफ जीरो माइनस पी एन नॉट समझ में आ रहा है ये अपन ने ये कैसे निकाली है इक्वेशन और इस इक्वेशन को देख के थोड़ थोड़ा थोड़ा धुंधला-धुंधला आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहा जा रहे हैं धुंधला-धुंधला क्लियरिटी होगी कि कहाँ हम लोग मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी प्राइम ऑफ जीरो हो जाएगा पी एन नॉट ई टू दी पार क्यू वी बाय माइनस पी एन नॉट एंड विल बी पी प्राइम ऑफ जीरो विल गिव यू पी नॉट टू दी पावर क्यू वी बाय के टी माइनस वन ओके आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि कैसे मैंने ये वैल्यूज निकाली हैं तो ये वैल्यूज निकालना आसान है कोई बड़ा बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है अब अगर मैं करंट की बात करूं करंट यहां पे करंट कितनी फ्लो होगी आई एफ

एक्सिस माइनोरिटी कैरियरिटी कैरियर विल गिव डिफ्यूजन। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी JN JP और IN और IP ये सही रहेगा रहे मतलब एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट तो आई एफ की जो वैल्यू होगी वो समट मैं पूरे ड्राइव नहीं कर रहा हूं बट एक आइडिया एक देके बता दे रहा हूं ताकि आप ड्राइव कर पाओ आई एन डिफ्यूजन क्या होगा ये हो जाएगा एन है तो क्यू डी एन और एरिया इनटू डी बाय डी एक्स और यहाँ पे किसका होगा ये कौन डिफ्यूजन करेगा डिफ्यूज़न होगा इलेक्ट्रॉन्स का ना एन प्राइम ऑफ जीरो सिमिलरली ये आ diffusion diffusion न, जाएगा माइनस का क्यू डी पी ए d by dx p prime of ऑफ अब इनकी वैल्यूज रख लेना सारी वैल्यूज रख दोगे सारी वैल्यूज रखने के बाद यू विल गेट q a dn एन एन आई स्क्वायर बाय एल एन एन ए प्लस क्यू ए डी पी एन आई स्क्वायर बाय एल पी एन डी टू ई टू पावर क्यू वी बाय के टी माइनस वन इज द ओवरऑल इक्वेशन ये आएगी आपके पास टोटल डिफ्यूजन करंट की इक्वेशन टोटल जो फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही हो दिस इज एक्सप्रेशन दिस मच ऑफ एम्पियस दिस मच ऑफ एम्पियस करंट यू विल गेट इतनी करंट आएगी सर जो मैडी मैटी कैरियर कंसंट्रेशन वाला आपने फिगर निकाला था जहाँ से करंट इक्वलेंट शुरू हुई है ड्राइव करना वहाँ से डिस्टेंस एक्सेस पे एल की जगह एल पी प्लस डब्ल्यूएन एन होना चाहिए ओके 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 यू कैन से यू कैन से एल पी प्लस डब्ल्यू एन होगा और ज्यादा मतलब अगर हम वैसे तो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वो आएगा तो डब्ल्यू एन से थोड़ा सा ज्यादा होता है बट इट्स ओके यू आर करेक्ट कि डब्ल्यू एन लिख लेंगे तो इट विल बी इट विल गिव मोर क्लैरिटी वो ज्यादा क्लैरिटी देगा हाँ ये ठीक है हम लोग क्या है ना डिप्लीशन विद को रेफरेंस मान के कर रहे हैं कि डिप्लीशन विध के एज पे कंसल्टेशन निकाला और उसको रेफरेंस मान के हम आगे कर ले रहे हैं सही बोल रहे हो आप सही है हुँ. तो ये है हमारे पास टोटल फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन अब ये जो फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन है यहां पे अगर मैं देखूं तो दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये कौन सा पार्ट है जो एन से पी में गया एन से पी में गया और प्रोड्यूस की ये वो होल कंसंट्रेशन है जो पी से एन में गया और करंट प्रोड्यूस की सही है तो इसमें एक क्वेश्चन भी आया था गेट में उसमें ना बस वो पूछा हुआ था कि फाइंड द करंट डेंसिटी विच इज इंजेक्टेड फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन शायद इज द होल वाला है वाला part. तो ये into ये वाला और डिवाइडेड बाय ए कर देंगे इधर। इधर हट जाएगा तो ये इंटू ये, ये आ जाएगा आपका इंजेक्टेड होल मतलब करंट डेंसिटी इंजेक्टेड फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन

वो बस ए नहीं आएगा मैं दोबारा से लिख देता हूँ बाय एल एन एन ए जे पी डिफ्यूजन लिखेंगे एन डी नहीं जे एन डिफ्यूजन सॉरी जे एन डिफ्यूज़न एन एन ए टू दी पावर वी बाय क्यू वी बाय के टी माइनस वन सो ये जो है इंजेक्टेड फ्रॉम ये क्या है ये बेसिकली है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन सो फ्रॉम एन टू पी दिस इज इंजेक्टेड फ्रॉम एन टू पी ऐसे ही सेम अगर मैं जेपी डिफ्यूजन लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू डी पी एनआई स्क्वायर बाय एल पी एन डी ई टू दावर क्यू बी बाय के टी माइनस वन यह आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा इंजेक्टेड इंजेक्टेड फ्रॉम पी टू एन फ्रॉम पी टू एन दिस इज द करंट डेंसिटी इंजेक्टेड फ्रॉम पी टू एन दिस इज करंट डेंसिटी इंजेक्टेड फ्रॉम एन टू पी ये आ जाएगा आपके पास और एज पे भी अपन ने कंसंट्रेशन निकाल लिया है तो यही इस टाइप के क्वेश्चंस डील uh, कर सकते हो आप इजी है इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना सो दिस इज अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग लेट्स मूव फॉर रिवर्स बायसिंग सो रिवर्स बायस में क्या होता है सपोज एक जंक्शन है अपने पास ये रिवर्स बायस इज इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज यहाँ बैरियर ओवरकम होने वाला कोई झंझट ही नहीं है This is p, this is n. n region में there will be positive ions, p region में there will be negative ions. और इसमें मैं एक bias voltage लगाता हूँ Now, एक अपन ने वो ऑपरेशन तो पढ़ लिया है जहाँ पे जहाँ पे हमारा वो होगा जो अपन बोल सकते हैं कि एक वो ऑपरेशन अपन पढ़ चुके हैं जहाँ पे अपना बैरियर कम हुआ था

ये जो वी वोल्टेज है दैट इज रिवर्स रिवर्स वोल्टेज वोल्टेज नाउ ये reverse bias voltage है तो इसमें क्या होगा जो टोटल हमारा बैरियर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इफ द बैरियर इज नाउ इंक्रीज बोल सकते हैं कि बैरियर इंक्रीज होगा तो पी रीजन के जो होल्स होंगे दैट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड सिमिलरली एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड जो पी रीजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव लाइक दिस तो पी के इलेक्ट्रॉन एन रीजन में ट्रेवल करेंगे और एन रीजन के जो होल्स होंगे दैट विल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द दी रीजन एन रीजन से पी रीजन मूव करेंगे होल्स और पी रीजन से एन रीजन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो इनकी वजह से अगर मैं करंट देखूं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पी रीजन टू एन रीजन तो करंट विल बी मूविंग फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन दिस और ये रिवर्स बाय आर so रिवर्स करंट, करंट। ये हो जाएगी रिवर्स सरप्राइज़ वाली वीडियो प्राइवेट हो गई तो फिर मिल जाएगा सरप्राइज सरप्राइज भी लेना है क्या पढ़ ले यार आज सरप्राइज भी ले लेना मिल जाएंगे बहुत सारे मिलेंगे एक एक करके आते रहते सरप्राइज तो मिलते रहेंगे आपको ओके सो so, ये रिवर्स बायस करंट है ये ये रिवर्स करंट क्या होगी हमारी N होगी हमारी रीजन रीजन से फ्लो अब एक चीज देखो ये जो डिप्लीशन है इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अगर अनबायस था अगर बायस नहीं हमने दिया था तो डिप्लिशन डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एन रीजन से पी रीजन लाई कर रहा था सही है फिर उसके बाद रिवर्स बायस किया तो जो डिप्लीशन वेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एन रीजन से पी रीजन ही है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम बट फॉरवर्ड बायस में आप डायरेक्शन बता सकते हो कि फॉरवर्ड बायस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में लाई करेगा इन द डिप्लीशन रीजन डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लाई करेगा इन फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड बायस में किस रीजन में लाई करेगा किस डायरेक्शन में लाई करेगा एन रीजन टू पी रीजन और पी टू एन रीजन वट हैपन्स वेन जंक्शन इज फॉर्मिंग तो मैंने कल भी बताया था जंक्शन फॉर्म करने के लिए अपना एक इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर होता है यहाँ हमने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड की यहाँ हमने ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड की जब वो एम्प्यिटीज इंकॉर्पोरेट हो रही होंगे एन टाइप और पी टाइप बन रहा होगा तो डिफ्यूजन हो रहा होगा जब इंप्यूरिटीज़ uh, इंकॉर्पोरेट होती है तो डिफ्यूजन हो रहा होगा और जब वो डिफ्यूजन होगा तो दैट डिफ्यूजन विल स्टार्ट एक्सटेंड वो डिफ्यूजन एक्सटेंड होता जाएगा तो वो डिफ्यूजन एक्सटेंड होगा तो उसकी वजह से जो हमारा होगा एन रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और पी रीजन में होल्स विद ईच अदर वो वो होंगे तो जो डोनर इंप्योरिटी इंप्योरिटी वाला इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्टर वाले होल के साथ मेंिकम्बाइन होगा तो डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन वो होंगे अपोजिट आइन से एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन वो बहुत ही पास पास आ जाएंगे बहुत पास पास आ जाएंगे और वहां के इकट्ठे हो जाएंगे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड

एंड इंप्यूरिटी जब इनकॉर्पोरेट होंगी तो वो आपस में बैलेंस होके इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे वो रिकम्बाइन होंगे रिकॉम्बिनेशन के बाद आ, पास पास आ जंक्शन फॉर्म कर लेंगे सो रिवर्स बायस में जो करंट है अभी अपन ने फॉरवर्ड बायस में करंट देखी थैंक यू ओके सो फॉरवर्ड बायस में अपन ने करंट देखी अभी दिस इज करंट अब ये जो करंट होती है ना इसी को अपन लोग लिखते हैं कि फॉरवर्ड बैस में जो करंट थी फॉरवर्ड बैस में जो करंट है आई एफ दैट कैन बी इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर क्यू वी बाय के टी माइनस वन ऐसे लिखते हैं अपन ये तो यहां पे ये तो समझ में आता है आई एफ जो है वो फॉरवर्ड करंट है फॉरवर्ड करंट और वी जो है ये अप्लाइड अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज है वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन अक्रॉस पीएन जंक्शन अक्रॉस पीएन जंक्शन इसलिए लिख रहा हूं कि एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज एक रेजिस्टेंस के बाद भी हो सकता है जैसे अपन ने वो पांच वोल्ट लगाया था तो पांच वोल्ट इसके अक्रॉस नहीं आएगा इसके अक्रॉस सिर्फ पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो है वो वही आएगा डबल स्टूडेंट्स के लिए डिवाइसेस का बहुत ज्यादा डिवाइसेस से क्वेश्चन नहीं आते।, में आते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विस क्वेश्चन होगा किस पे? Okay, अभी बात करेंगे अपन लोग डोट वरी अभी डिफ्यूजन की बात करने वाले हैं हम लोग अभी वो देखेंगे लेंथ ऑफ डिफ्यूजन डोंट वरी वो अपन लोग पढ़ेंगे अंकुर सर एक इक्वेशन में वी की पोलैरिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा दिस v, v मैंने बताया था ना वी इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड बायस लेस देन जीरो रिवर्स बायस ये हो जाता है ना ये वाली इक्वेशन में अपन रख सकते हैं डायरेक्ट रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के केस में वी जब ग्रेटर देन जीरो होगा फॉरवर्ड बायस होगा लेस देन जीरो होगा तो रिवर्स बायस होगा

सो so, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो मैं आई नोट की वैल्यू निकाल सकता हूं रिवर्स सैचुरेशन करंट की सो रिवर्स सेचुरेशन करंट विल लुक लाइक क्यू ए डी एन एन आई स्क्वायर बाय एल एन एन ए प्लस क्यू ए डी पी एन आई स्क्वायर बाय एल पी एन डी

लोअर कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन जा रहे कंसेंट्रेशन और बिग एग्जाम्पल ऑफ ड्रिफ्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रिवर्स वाइज तो यहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहा है रिवर्स वाइज में ये तो पक्का है नाउ अगर ड्रिफ्ट हो रहा है तो अपन लोगों को पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन विडी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये देख चुके हैं अपन ये ये रिलेशन याद आ रहा होगा आपको पढ़ फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो नाउ ये अपन so, ने पढ़ा था तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि जो ड्रिफ्ट करंट होती है आई ड्रिफ्ट प्रोपोर्शनल टू होती है drift velocity. सही है 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 और जो voltage होता है, वो proportional होता वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हाँ, cycle analogy. आ, I hope you remember that. समझ में आ गया होगा तो याद भी हो गया होगा आपको कैसे हो रहा है ये कैसे increase हो रहा है ओके सो ड्रिफ्ट करंट होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है

अपनी पर्सनल लाइफ पूरी अच्छे से नहीं चल पा रही यार आपकी पर्सनल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वही बहुत है दुनिया में इंसान के लिए वही बहुत हो जाता है पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होगी सिर्फ ईडीसी के डाउट क्लियर हो सकते हैं वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम है नहीं सॉल्व कर पाता इंसान दूसरों की कैसे करेगा ओके okay, सो so, ये अपन बोल सकते हैं करंट अफेयर्स और आ,

बस ये है कि जो रिवर्स बायस करंट होती है वो हम नेगेटिव लेते हैं रिवर्स बायस करंट और जो रिवर्स वोल्टेज होता है वो भी हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वी वोल्टेज जब ग्रेटर देन होता है तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और जब वी लेस देन जीरो होता है तो रिवर्स बायस वोल्टेज तो ऐसा आ जाता है तो दिस कर्व विल बी लुक लाइक लाइक दिस ये देखा होगा आपने रिवर्स बायस में करेक्ट लुक लाइक दिस ऐसे देखे होंगे तो वो सेम यही है बस इसको थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट कर दिया गया है थर्ड में प्लॉट कर दोगे तो इट विल लुक लाइक दिस तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी तो विलोसिटी वहां पर मैक्सिमम हो मैक्सिमम होगी यही आपकी कहलाती है रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट यही आपकी जो मैक्सिमम करंट होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट हो जाएगी आई नॉट

आई नॉट इज प्रपोर्शनल टू क्रॉस एक्शनल एरिया ये है ये क्रॉसेक्शनल एरिया ऑफ पी एन जंक्शन पर डिपेंड करती है सर so, जब हम फॉरवर्ड बांट के लिए एक्सप्रेशन में भी रिवर्स बायस करंट का कंपोनेंट uh, क्यों होता है अच्छा ओके okay. तो यही तो मैं बता रहा था एक्चुअली क्या होता है जब अपन लोग इनिशियली जैसे ही अपन लोग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाते हैं जस्ट फॉरवर्ड बास वोल्टेज लगाए ही अपन ने जस्ट तो क्या होता है उस समय फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज लगाए तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन हमारा बिल्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होता है वो अप्लाइड रिजल्ट uh, की डायरेक्शन में होता है और बिल्टिन की डायरेक्शन में होता है तो वोल्टेज तो लगा दिया है तो माइटी कैरियर तभी भी फ्लो कर जाते हैं थोड़े से माइटी कैरियर फ्लो कर जाते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा सा ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट पार्ट आ जाता है है उसमें थोड़ा सा drift, ये जो है ना अपने इक्वेशन uh, लिखी थी ये ये जो माइनस वन पार्ट है ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट आता है उसमें फिर उसके बाद डिफ्यूजन होता है

ओके okay. सो so, ये जो हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एरिया या फिर क्रॉस एक्शनल एरिया बोल सकते हैं क्रॉस एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एनालॉग पढ़ोगे और एनालॉग में करंट मिरर पढ़ोगे मेनली तो करंट मिरर में क्या होता है अगर मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ था करंट मिरर में कि करंट मिरर में जो इमिटर एरिया है वो Q2 का डबल हो गया है Q1 से Q1 से डबल हो गया है Q2 का एमिटर एरिया एमिटर एरिया डबल हो जाएगा तो उसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट भी डबल हो जाएगी और रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल होगी तो एमिटर करंट भी डबल हो जाएगी ये आप देखोगे एमिटर करंट जो होती है वो i0 e to the power bb by eta bt होती है और वो माइनस i0 या है या, या ये माइनस है नेगेटिव साइड में दिखा रहे हैं ना अपन रिवर्स बायस करंट है तो अपन क्या ऐसा क्या मानते हैं मैं बताता हूं Uh, ऐसा यू मानते हैं अपन मैं बना के दिखा देता हूँ वैसे तो ऑल दो मुझे करेक्टिक्स पढ़ाना ही थे अलग से बट इट्स ओके अभी आपको ऐसे ही बता देता हूँ सिंपली ये है, v है माइनस वी आई माइनस आई ये ऐसे है तो ये मैंने पॉजिटिव दिया है पॉजिटिव दिया तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस और उसमें जो करंट आई वो आ गई आई एफ दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी फॉर फॉरवर्ड बायसिंग सी फॉरवर्ड बायस के रिस्पेक्ट में अगर मैं रिवर्स बायस को देखूं तो वो अपोजिट पोलैरिटी का है अगर रिवर्स बायस अपोजिट पोलैरिटी का है तो ये वोल्टेज अपन लिखते हैं माइनस ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज एंड दिस करंट इज रिटेन टू बी माइनस ऑफ रिवर्स करंट तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट दिस विल बी ट्रीटेड फॉर रिवर्स बायस सही है बिल्कुल 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 क्लियर है ये अभी रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस केस ना तो यहां पे ये वाला केस में बता रहा था आपको करंट मिरर में ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप करंट मिरर्स पढ़ोगे तो करंट मिरर में एनालॉग में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूज होगा ठीक है है सर मैंने शुरू है आपका हॉबी है हाँ <laughs> यार मतलब ईडीसी ना एक्चुअली जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था ना तब से मेरे को डिवाइसेस पसंद है मैं पूरा फोर्थ ईयर तक डिवाइसेस अच्छे से पढ़ता हुआ आया हूँ और मतलब uh, मतलब यही डिवाइसेस ही पूरा पढ़ते हुआ आया एनालॉग सर्किट भी पढ़ते हुआ आया इसमें इंटरेस्ट ज्यादा आया फिर उसके बाद मैं जॉब ऑब करने लगा फिर जॉब करने के बाद मन नहीं लगा तो मैंने एम भी इसी में करा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड में उसके बाद से पढ़ा भी तब से यही रहा हूँ यही एनालॉग मतलब डिवाइसेज ही, ही analog, पूरा पढ़ा रहा हूँ तो इंटरेस्ट है इसमें तो अच्छा लगता है मज़ा आता है क्वेश्चन वोश्चन्स देखने में अच्छे अच्छे और जो क्वेश्चन नहीं होते हैं उनको ट्राई करने में भी बड़ा मज़ा आता है थोड़ा उसमें अफर्ट डालने में मज़ा आता है कोशिश करता हूँ मैं अब भगवान तो नहीं हूँ बट कोशिश करता रहता हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें चीज़ होती रहे अच्छा अच्छा चीज़ें होते रहे और अच्छे क्वेश्चन बनाते रहूँ अच्छे क्वेश्चन बनाते रहूँ अच्छे से पढ़ाते रहूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहूँ यही बस कोशिश रहती है मेरी थैंक यू फॉर दिस ओके सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आई नॉट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरा एक आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एन आई स्क्वायर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सॉरी आई नॉट इज प्रपोर्शनल टू एन आई स्क्वायर और आपको पता है एन आई स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू टी टू दावर क्यूब एन आई स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू टी टू दावर क्यूब मतलब I नॉट जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टूवर्ड्स द टेम्परेचर आई नॉट इज वेरीचर अटंट ऑफ टेम्परेचर विल गिव यू हाई अमाउंट रिवर्सेशन करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंज होती है तो ऑल दो आपके पास I नॉट की पूरी इक्वेशन है आप ये वाली पूरी इक्वेशन है मैं वो सब नहीं बताऊंगा आपको कि फॉर एवरी टेन डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर आई नॉट बिकम्स डबल डबल नहीं होती वो वन पॉइंट नाइन एट टाइम्स हो जाती है वन पॉइंट नाइन टाइम्स हो जाती है लगभग तो वो डबल ही बोलते हैं उसको हाँ हाँ वो आपने लिख भी दिया बिल्कुल ये सब यार मैं मतलब बोलने में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो और मेहनत करो आई नोट को डेरीवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और ये सारे इसकी वैल्यू रखो इसकी वैल्यू रखो इसकी वैल्यू रखो, रखो और फिर पूरा टेम्परेचर इस में इसमें ड्राइव करके देखो ड्राइव करके निकालोगे देन यू गेट टू नो कि वो सही में वो डबल नहीं था वो 1.9 समथिंग था पॉइंट नाइन टाइम्स या 1.92 टाइम्स ऐसे कुछ आ जाती है एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे भी याद नहीं आ रही है बट यू कैन ड्राइव इट कोई जरूरी नहीं है वो याद रखना इसको आप ड्राइव करके देखोगे ना पूरा अभी नहीं गेट का एग्जाम है आपका अगर आपका गेट का एग्जाम चौबीस में है तेईस में नहीं है तो गो फॉर इट इसको ड्राइव करो इसको डेरिवेटिव लो आई नॉट का विद रिस्पेक्ट टू टी टेम्परेचर ड्राइव करते जाओ करते जाओ काफी लंबी लंबी डेरिवेशन होगा बट एट द एंड यू विल गेट टू नो हाउ इट इज वेरिंग ये कैसे वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो वो भी सही है ऑलमोस्ट ट्वेंटी थ्री में तो अभी रहने दो नेक्स्ट ईयर कर लेना आफ्टर गेट एग्जाम मेरी तरफ से अभी रहने दो अभी नहीं ट्वेंटी थ्री में गेट देना है तो ट्वेंटी फोर में मतलब ट्वेंटी थ्री गेट देने के बाद एक बार ट्राई कर लेना हाँ डेट भी आ गई तो. okay. so, so, है एग्जाम के अब तो ओके सो ये दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सो दिस स्टेट दैट आई नोट इज वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स देशर सही है नाउ ये जो आई नोट की वैल्यू होती है ना दैट इज टिपिकल वैल्यू इसकी होती है टेन टू दी पावर माइनस फोर्टीन एमपीएस दिस मच दिस इज टिपिकल वैल्यू ऐसे होती है कुछ तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो आई एफ इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दावर क्यू वी बाय के टी माइनस वन इसमें आप लोग बोल रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले सब बड़ी साइड की पांच uh, वोल्ट लगा देंगे तो क्या होगा 5 वोल्ट लगा देंगे तो क्या होगा वोल्टेज तो आप ये रखना इसकी वैल्यू ये और वन वोल्ट रखना आपका फॉरवर्ड करंट जो है तेईस तेईस एम्पियर्स के आसपास आएगी ट्वेंटी थ्री एम्पियर्स के आसपास बनेगी आपकी लगभग ट्वेंटी थ्री एम्पियर्स ऑफ करंट वन वोल्ट पे पांच वोल्ट लगाओगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा समझ सकते हो अब आप मेरी फीलिंग को

रिवर्स बायस इज क्लियर टू यू कि रिवर्स बायस में अपन कैसे कर रहे हैं अब अगर मैं देखूं तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन विड्थ अपन ने देखी थी तो डिप्लीशन विड्थ होगी टू एफ एस बाय क्यू वन बाय एन ए प्लस वन बाय एन डी दिस इज वी बी आई माइनस वी ये था बायस केस में तो क्या होगा इफ वी इज ग्रेटर देन जीरो दैट इज ट इज फॉरवर्ड बाफ बी लिख रहा हूं तो ये फॉरवर्ड बायस है अच्छा डायोड में मजा आ गया यार थैंक यू थैंक यू देवाकर सर ई डी सी नंबर ऑफ मोर फॉर्मूलाज आउटर ओके यार फॉर्मूलाज में मानता हूँ सही मानता हूं कि जब भी थोड़ा सा डेप्थ में होते हैं सब्जेक्ट या थोड़े से रिग्रेस सब्जेक्ट होते हैं तो उधर फार्मूलाज ज्यादा हो जाते हैं एक ही तरीका है सिर्फ एक ही तरीका है

यू विल डेफिनेटली गेट टू रिमेबर दैट इन द एग्जामिनेशन आप एग्जामिनेशन में याद रख पाओगे यही एक तरीका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही एक तरीका है बाकी कोई वो वो कोई क्रैकड वर्जन नहीं है इसका कि हम इसे क्रैक कर पाएं कि कैसे ये याद हो जाएगा तो सब अलग अलग है, लोग हैं अलग अलग लोगों की मेमरी है मेमोरी पावर सबकी अलग अलग है सबकी रिमेंबरिंग कैपेबिलिटी अलग है सबकी रिमेंबरिंग प्रोसेस अलग है आप किसी चीज़ को किसी और प्रोसेस से याद रखते हो कोई और बंदा उस चीज़ को किसी और प्रोसेस से याद करता है

डिप्लेशन वेट भी बढ़ेगी तो सिंपली कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि मतलब आ, मैं भी लिख सकता हूं कि W की वैल्यू ऐसे लिख दी और इसको लिख दिया वी एफ बी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव भी होता है तो इसको लिख दिया फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और इसको प्लस साइन लगा दिया और यहां लिख दिया रिवर्स बायस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड द रिवर्स बायस वोल्टेज तो वो भी लिख सकते हो आप तो ये आ, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ चलो जल्दी मतलब ये थोड़ा आसान हो जाता है कि दोनों अलग अलग फॉर्मूला वैसे तो सिंगल फॉर्मूला ही है जो कि रामबाण इलाज है बट इसके अलावा इफ सपोज यू वॉन्टिंग दिसनस वी एफ तो फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पे पुट कर देना ये आ जाएगा उसके बाद रिवर्स वोल्टेज के लिए इट विल प्लस रिवर्स बाइस वोल्टेज जो भी आप अप्लाई कर रहे हो

कि आई एफ इज इक्वल टू अपने पास था आई नॉट ई टू दावर क्यू वी बाय के टी माइनस वन ये था अपने पास ये फॉर्मूला था आप किसी ने बोला था कि ये रिवर्स करंट होगी इसको पोलैरिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि नाउ द पी एन जंक्शन इज रिवर्स बायस एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ रिवर्स बायस एक गेट का क्वेश्चन भी आया था इस पर बेस्ड कि अब वो रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस होगा तो जो हमारी करंट है फॉरवर्ड करंट वो पी से एन जा रही थी और रिवर्स करंट कैसे आएगी से एनसेपी तो ये जो फॉरवर्ड करंट है दैट कैन बी बाय माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि फॉरवर्ड करंट से N जा रही थी और रिवर्स करंट से एनसेपी आ रही है तो वो माइनस साइन आ गया ऐसे ही ये जो हमारा वी वोल्टेज है ये वी वोल्टेज हमारा फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज था अब ये रिवर्स वाइस वोल्टेज होगा तो अपोजिट पोलैरिटी में आ जाएगा रिवर्स वायस ऐसे आ जाएगा ये कुछ ठीक है तो इसमें अप्रोक्सीमेशन अपन लोग ले सकते हैं ऐसे लगा दो इसमें तो लगाएंगे तो आ जाएगा माइनस का आई आर इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दावर माइनस का क्यू वी आर बी बाय के टी माइनस वन ना यहाँ से अगर देखें तो ये जो के टी है या के टी बाई क्यू है ये है थर्मल वोल्टेज थर्मल वोल्टेज इज इन मिली वोल्ट यह मिली वोल्ट में होता है तो ये बहुत ही कम है ये थर्मल वोल्टेज बहुत कम होता है तो ये ये अगर वैल्यू कम होगी तो दिस पावर विल बी हाई ये पावर थोड़ी सी हाई होगी और ये पावर अगर हाई होगी तो ई टू पावर माइनस में अगर हाई वैल्यू आए ई टू पावर माइनस में हाई वैल्यू होगी सो दिस ई वैल्यू ओवरऑल वैल्यू विल बी निगलेक्टेड ये वैल्यू हम निगलेक्ट कर सकते हैं विद कंपेरिजन ऑफ वन वन के कंपेरिजन में तो माइनस आई आर विल बी इक्वल टू आई नॉट जीरो माइनस वन सो यहां से ये जो रिवर्स करंट होगी ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी आई नॉट के

क्योंकि ये पॉजिटिव में है ना पावर पॉजिटिव में है तो वन को निगलेक्ट कर देंगे वन को निगलेक्ट कर देंगे तो दिस कैन बी एज रिटर्न ऐसे लिख सकते हैं ये yeah, तो ये जो है ये जो पार्ट है ये प्योरली डिफ्यूजन पार्ट है यहां से ड्रिफ्ट पार्ट जो है वो कैंसिल हो गया या ड्रिफ्ट पार्ट को हमने निग्लेक्ट कर दिया समझ में आ रहा है ये फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस कैसे किया है ने ये फॉरवर्ड बाइस में अप्रोक्सीमेशन रिवर्स बाइस में अप्रोक्सीमेशन ओके गुड सो so, अब अगर मैं यहाँ से ये देखूँ ये ये वाली करंट फॉरवर्ड करंट और ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज वी तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जैसे जैसे अपन लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी फॉरवर्ड करंट क्या होगी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी बट एक्सपोनेंशियली बढ़ती तो है नो प्रॉब्लम एट ऑल उसमें बढ़ती है एक्सपोनेंशियली बट ऐसा नहीं है कि एकदम से ही बढ़ जाएगी So, this is I, this is V. And you know this V is V forward bias, and here minus V is minus of reverse bias. Minus I is minus of reverse current and plus I is I forward current. Or I should write somewhere else. I f a little bit. तो यहाँ पे अब अगर मैं इसमें करेक्टाइसिक्स प्लॉट करूँ तो करक्टाइसिक्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एकदम ऐसा नहीं है कि हम वोल्टेज लगाते जाएंगे तो वो एकदम से करंट बढ़ जाएगी तो अपन ने देखा था जब अपन लोग एनर्जी बैंड डायग्राम वो पैराबोलिक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए थे मैंने तो क्या था अगर अपन बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज लगाए फॉरवर्ड बायस में तो करंट तो फ्लो हो रही थी बहुत बहुत माइन्यूट बहुत माइन्यूट करंट फ्लो हो रही थी लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज लगाने के बाद करंट बहुत ज्यादा फ्लो होनी शुरू हो जाएगी तो

कुछ लोग यहां पे वन लिखते हैं बट वन से कम होता है VBI तो वो लोग ये कहना चाहते हैं कि one से one से कम होता है फॉरवर्ड वोल्टेज वो भी सही है लेकिन forward bias voltage is always less than VBI. VBI से भी कम होता है तो इट इज दिस लाइन इज फॉर वीबीआई वीबीआई से कम आएगा ये पूरा कर्व एक्चुअल में ये कर्व ना ऐसा नहीं होता ये आ, कुछ अगर मैं बनाऊं तो ऐसा होता है कुछ ऐसा ये सपोज ये स्लोप वन होता है ये टू और ये वन ऐसे होता है ये ये कर्व कुछ ऐसे बनता है तो ये जो करंट होती है बहुत ही स्मॉल वोल्टेज के लिए ये डिफ्यूज़न पार्ट है ये ये जो पार्ट है ना ये इसे बोलते हैं एस सी एल सी एस सी एल सी मतलब स्पेस चार्ज लिमिटेड करंट स्पेस चार्ज लिमिटेड करंट अब यहाँ पे ये स्लोप टू क्यों हो गया ये वन से टू क्यों हो गया इसका भी रीजन है इसका रीज़न है बेसिकली रिकॉम्बिनेशन भी एक रीज़न है और जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा अभी फॉरवर्ड करंट फॉरवर्ड बायस में जो करंट होती है वो ज, आ, आ, जर्मेनियम में और सिलिकॉन डायोड अलग अलग डायोड लें एक जर्मेनियम लें एक सिलिकॉन लें तो उन दोनों में सेम वोल्टेज पे करंट अलग अलग होगी तो वो मैं दिखाऊंगा अभी वो कैसे होती है तो ये फॉरवर्ड बायस का करेक्टाइस्टिक्स है ना रिवर्स बायस में अगर करेक्टाइटिक्स देखें तो वी हैव सीन ऐसे उसके बाद ब्रेकडाउन होता है सो आई एम नॉट गोइंग टू शो ब्रेकडाउन डाउन हेयर बिकॉज दिस इज नॉट अ ब्रेकडाउन डायोड ये नॉर्मल डायोड है इट विल बी वर्क अप टू हेयर ब्रेकडाउन डायोड जो है वो अपन लोग कल पढ़ेंगे जेनर डायोड उसमें यहाँ पे ये यह ब्रेकडाउन करके दिखाऊंगा सो आई विल शो यू द ब्रेकडाउन इन द जेनर डायोड्स ओनली ठीक है जेनर डायोड में बताऊंगा ये ब्रेकडाउन कैसे आएगा नाउ अब यहां पे अगर देखें तो ये फॉरवर्ड बायस है फॉरवर्ड बायस में एक रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा दैट विल लुक लाइक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा तो इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस डायनेमिक रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा तो दैट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय दिस डीवी बाय डीआईएफ अब फॉरवर्ड बायस करंट की इक्वेशन फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन आपको पता है उसको डीवी उसको वी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो वी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो इसको अपन लोग इसी को 1 बाय जीडी भी बोलते हैं जीडी 1 बाय जीडी इज कॉल्ड एज़ डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ डायोड, वो कंडक्टेंस ऑफ डायोड इज जीडी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ईटा वीटी बाई आई फ़ॉर्म्स, ये आ जाएगी और जीडी की वैल्यू होगी आईएफ वीटी, हाँ, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई भी कर सकते हो लेकिन ये है ना तो डेल्टा फंक्शन में कोई फायदा ही नहीं होगा आपको डेल्टा डेल्टा से कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा लीनियर होता तो डेल्टा से बेनिफिट मिल जाता डेल्टा बी बाय डेल्टा आई यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे डायरेक्ट क्योंकि एक्सपोनेंशियल है सही है तो ये हो जाएगा आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये डायनेमिक डायनेमिक रेजिस्टेंस है दिस ये है दिस इज कंडक्टेंस ये डायनेमिक डायनेमिक रेजिस्टेंस है ये ये डायनेमिक कंडक्टेंस है आई एम नॉट ग्रेट यार ग्रेट मतलब मतलब ग्रेट मतलब कुछ और ही होता है खैर ग्रेट तो और ही लोग होते हैं बस

डी आ गए हम लोग धीरे धीरे एक एक करके लाइन में लगते जा रहे हैं थैंक यू ज्वाइन द क्लब नाउ तो ये है हमारा रिवर्स बायस रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है रिवर्स रेजिस्टेंस दैट इज वेरी वेरी हाई और वो होता है ओम्स में नोट्स मिलेंगे या नोट्स तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो नोट्स तो मैं पीपीटी भेज ही देता हूं शायद वो अपलोड हो जाएंगी ये ये आप कर भी सकते हो नोट्स भी कर सकते हैं पीपीटीज इसके अवेलेबल हो जाती हैं ओके okay, सो so ये है आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन सो अब अगर मैं बात करूं जंक्शन कैपेसिटेंस की तो कल भी अपन ने देखा था जंक्शन कैपेसिटेंस तो जंक्शन कैपेसिटेंस दो टाइप के होते हैं एक तो होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस

ओके okay. तो ये आपकी ये टोटल कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस है होगी बाय तो तो से अपन लोग देख रहे थे कि w था तो अगर मैं फॉरवर्ड बैस में डिफ्यूजन कैपेसिटेंस तो जो होता है उसकी वैल्यू अगर निकालें तो जो हम कैपेसिटेंस निकालते टोटल चार्ज क्या होता है DQ

सॉरी ये तो हो गया ना तो ये होगा इनटू इंटू टाओ सो यहां से हो जाएगा टाउ डी आई एफ डी डीबी डी आई एफ बाय डी बी यू ऑलरेडी नो दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ दी डी डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ दी भी लिख सकते हो डायनेमिक कंडक्टेंस और ओनली ओनली जी बी लिखोगे दैट इज ऑल्सो फाइन नो प्रॉब्लम टाउ जी और टाउ जी डी जो भी आप लिखना चाहो तो ये जो सी डी होती है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ये होती है टाउ इंटू जी अब यहां पर जो है दैट इज कैरियर लाइफ टाइम कैरियर कैरियर लाइफ लाइफ टाइम टाइम ये जो होता है ये बेसिकली अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होता है अलग अलग पैरामीटर्स में मतलब जो टाउ होता है वो होता है वन डिवाइडेड बाय सिग्मा प्राइम वैसे तो ये सिग्मा लिखते हैं सिर्फ इसे बट ये सिग्मा कंडक्टिविटी वाला नहीं है इसलिए मैंने सिग्मा प्राइम लिख दिया है वेलोसिटी थर्मलिटी इनटू n t. तो यहां पे ये जो सिग्मा प्राइम है ये है कैप्चर क्रॉस एक्शन कैप्चर क्रॉस एक्शन एरिया बोलते हैं इसको कैप्चर क्रॉस एक्शन VTA जो है ये है थर्मल वेलोसिटी इज थर्मल विलॉसिटी एंटी जो है वो है ट्रैप डेंसिटी तो ये इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है टाउ जो कैरियर लाइफ टाइम होता है दैट डिपेंड्स ऑन कैप्चर सेक्शन थर्मल वेलोसिटी एंड एंड ट्रैप डेंसिटी ट्रैप डेंसिटी मतलब मान लो कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है डिवाइस में रिकॉम्बिनेशन हो नहीं पा रहा है तो रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए हम अलग से रिकॉम्बिनेशन एजेंट डालते हैं और जितना हम रिकॉम्बिनेशन एजेंट डालेंगे तो वो एज अ ट्रैप की तरह बिहेव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन होल को ट्रैप करके रिकॉम्बाइन कराते हैं तो जितनी डेंसिटी में हम रिकॉम्बिनेशन एजेंट डालते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं ट्रैप डेंसिटी तो ये जो एनडी एन टी गोल्ड अच्छा होता है इसके बारे में मैं बता दूंगा और अगर चाहिए तो आपको तो ये होता है ऐसे मान लो ये ई है ये ईवी है और ये बीच में ई लेवल तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव ट्रैप डेंसिटी होती है जो इफेक्टिव ट्रैप होता है ट्रैप लेवल एनर्जी ट्रैप एनर्जी लेवल वो ईआई पे लाई करता है ईआई पे लाई करता है तो वो इलेक्ट्रॉन और होल को सेम अमाउंट में अट्रैक्ट कर सकता है या सेम अमाउंट में कैप्चर कर सकता है तो जितने इलेक्ट्रॉन को करेगा उतना ही होल को भी कैप्चर कर लेगा और इसलिए सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव ट्रैप होता है वो इंटरेंसिक लेवल पे लाई करता है इफेक्टिव ट्रैप तो गोल्ड जो होता है वो नियर बाय बाई लेवल होता है इसीलिए वो मोर मोर इफेक्टिव इफेक्टिव ट्रैप ट्रैप डेंसिटी कहलाता कहलाता है 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 या एजेंट सही आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा इंडिगो को और अब क्या होता है दो टाइप के ट्रैप होते हैं एक तो होता है डीप ट्रैप एक होता है शैलो ट्रैप तो यहां ये यह जो ईआई पे लाई करता है अगर ट्रैप लेवल अगर ट्रैप लेवल ट्रैप एनर्जी करता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं deep traps. अगर EI पे नहीं करता, यहां लाई कर रहा है ये, लाई कर रहा है, तो उन डीप ट्रैप्स होते हैं वो, आ, जो पास में लाई करते हैं वो डीप ट्रैप्स होते हैं एंड जो दूर लाई करते हैं ट्रैप्स होते हैं जो शैलो ट्रैप्स होते हैं ईआई पे लाई करते हैं तो बेसिकली ये जो ईआई पे जो लाई करते हैं ना ट्रैप्स वो बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन होल्स को रिकम्बाइन कराते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कराने के लिए हम ऐसा ट्रैप एजेंट ढूंढते हैं जिसका एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट ईआई के आसपास लाई करे तो गोल्ड इज वन ऑफ दैट गोल्ड का ऑलमोस्ट पास में होता है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly नहीं होता बट ऑलमोस्ट पास में होता है ओके okay, सो so ये जो ट्रैप डेंसिटी एक है कैप्चर क्रॉस सेक्शन और ये है थर्मल वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी विल डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर अब इसके बाद आस्क मी कि जो डिफ्यूजन लेंथ होती है वो कितनी होती है तो आप लोगों ने पूछा था तो यहाँ पे डिफ्यूजन लेंथ की अगर बात करूँ तो डी इजिकल टू होता है सॉरी एल इजीगल टू होता है अंडरू डी इन टाउ यह है आपकी डिफ्यूजन लेंथ मैं चाह रहा था कि टाऊ पढ़ाने के बाद ही आपको बताऊं ताकि इसकी थोड़ी और क्लैरिटी मिले यह है डिफ्यूजन लेंथ एंड दिस इज डिफ्यूजिविटी दिस इज कैरियर लाइफ टाइम नाउ अब मान लो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो वन माइक्रो सेकंड में आगे रिकमाइन हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट टू माइक्रो सेकंड में आगे रिकम्बाइन होता है तीसरा इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट वन माइक्रो सेकंड में आगे होता है तो ऐसे तो हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा जितने भी चार्ज कैरियर होंगे सबका अलग अलग होगा तो ये जो अपन लोग कैरियर लाइफ टाइम लेते हैं दैट इज ऑलवेज डिफाइन एज एवरेज कैरियर लाइफ टाइम सारे कैरियर लाइफ टाइम का एवरेज निकाल के अपन लोग लेते हैं सो दिस टाउ इज ऑलवेज टेकन एज एवरेज अगर टाउ हमारा एवरेज है एवरेज कैरियर लाइफ टाइम है तो अपनी जो एल होगा जो डिफ्यूजन लेंथ है वो भी हमेशा क्या होगी एवरेज डिफ्यूजन लेंथ होगी दिस इज आल्सो एवरेज पैरामीटर सो ये एवरेज डिफ्यूजन लेंथ होती है नाउ यहां पे देखें तो डिफ्यूजन लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट डी की वैल्यू होती है म्यू वी टी इंटू टाउ दिसमच ऑफ सेंटीमीटर ये होती है आपकी डिफ्यूजन लेंथ अगर एल एन है तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन लेंथ एंड एल पी है तो दैट इज कॉल्ड एज होल डिफ्यूजन लेंथ सो एल एन जो होता है वो हो जाएगा आपका अंडर रूट डी एन टाउन इज इक्वल टू अंडर रूट म्यूएन वी टी टाउन एंड अगर यह एल पी है एलपी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट डीपी टाउपी और अदरवाइज इट इज अंडर रूट म्यूपी टाउपी नाउ ये जो डिफ्यूजन लेंथ है ये किस किस पे डिपेंड करेगी ये डिपेंड कर रहा है किस पे कैरियर लाइफ टाइम पे और टेम्परेचर पे ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं वीटी भी और मोबिलिटी भी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है डिफ्यूजन लेंथ और साथ में कैप्चर क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है

अगर आगे जाएं और हम अगली कैपेसिटेंस को बढ़े तो दैट इज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी गया अब सीटी जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है तो रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो तो रिवर्स करंट होती है तो उससे हम वायरस तो ड्राइव नहीं कर सकते तो रिवर्स बायस में जब हम करंट लेते हैं सी टी तो ये बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू वी बी आई माइनस और वी प्लस लिख लेते हैं माइनस वी लिखते हैं ना और वी जो होता है माइनस ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज होता है दिस वैल्यू इज माइनस एन आई होप यू रिमेंबर टूमोरो सॉरी यस्टरडे क्लास यस्टरडे क्लास में मैंने यह बताया था यह वाला फॉर्मूला तो यहां पर स्टेप ग्रेडेड स्टैप और अब एन इज इक्वल टू वन बाय थ्री होता है फॉर लीनियर सही है तो तो ये ये अपन लोग कल कर चुके हैं। में forward में diffusion होता है तो diffusion capacitance है। इसलिए वो कहलाती इसमें जो करंट होती है ना वो माइटी कैरियर्स की वजह से होती है और माइटी कैरियर्स की वजह से रिवर्स वाइज होता है प्योरली डिपेंड्स ऑन माइटी कैरियर होता है और माइटी कैरियर्स की वजह से ये ट्रांजिशन में आता है हमेशा जो डायोड होता है

डायनामिक रेजिस्टेंस एंड स्टैटिक तो डायनामिक जो होते हैं फिर से जो होते हैं फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में एंड स्टैटिक भी दो टाइप के हो सकते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अब जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या स्टैटिक जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज v बाय i दैट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय v बाय i डायनेमिक जो होता है दैट विल बी डीवी बाय डीआई डायनेमिक रेजिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड बाय डीवी बाय डीआई एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड बाय वी बाय आई तो ये जो डीवी बाय डीआई से अपन ने निकाला था ये डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस ये था आपका आरएफ इटा वीटी बाय आईएफ और रिवर्स बायस में था आरआर दैट वाज वेरी वेरी हाई ग्रेटर देन 1 मेगा ओम स्ट्रटिक्सेंगे तो करना चाहता हूं लिख दिया है आप लोगों ने नोटिस नहीं किया मैंने ईटा लिखा हुआ है यह आइडियलिटी फैक्टर कहलाता है या रिकॉम्बिनेशन फैक्टर कहलाता है ये होता क्या है तो मान लो कि मैं एक अगर आ, एनर्जी बैंडग्राम बनाऊ अगर ये एनर्जी बैंड डायग्राम हम बनाते हैं तो इसका फर्मी लेवल होगा दैट विल बी हियर ओके सो ये है आपका कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड और ये है आपका पी टाइप दिस इज एन टाइप कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड दिस इज फाइनल फर्मी लेवल ऑफ ज्वाइंट पी एंड एंड तो ये हमारा पूरा एनर्जी बैंड डायग्राम था अब एनर्जी बैंड डायग्राम में अपन लोग वी वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये इलेक्ट्रॉन्स दोज वर माइग्रेटिंग फॉरवर्ड बायस में ऐसे माइग्रेट कर रहे थे ओवर द बैरियर जा रहे थे और जो होल्स थे फॉरवर्ड बायस में दैट वाज आल्सो गोइंग बिलो द बैरियर एंड इट इज गोइंग लाइक वाइज ऐसे ये कुछ मूवमेंट हो रहा था फॉरवर्ड बायस में सर कैन बी डिजाइन अ वेरिएबल रजिस्टर यूजिंग डायोड यस कर सकते हैं वेरिएबल रजिस्टर भी कर सकते हैं एक्चुअली आप देख रहे हो ना कोई भी जैसे आप लोग करेक्टरेस्टिक्स बना रहे हैं तो रेस्ट में करंट हर जगह हर वोल्टेज पे करंट चेंज हो रही है तो हर पॉइंट पे अलग अलग रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो वेरी कर रहा है दैट दैट रेजिस्टेंस 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 इज वेरिएबल वेरिएबल कैन बी मेड बाय यूजिंग और एक चीज और एक फनी सा इंसिडेंट है मैं डीआरडीओ के इंटरव्यू में गया था बहुत पहले तो डीआरडीओ के इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था अंकुर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कैन वी मेक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूजिंग डायोड सेम क्वेश्चन डीआरडीओ इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा गया था एंड आई एक्सप्लेन जैसे कि अपन लोग अभी अभी कर रहे हैं ना करेक्ट एसिक में हर पॉइंट पे रेसेंस निकालेंगे सो इट विल बी वेरिंग तो अलग अलग रेसेंस मिलेगा सेम क्वेश्चन डीआरडीओ के इंटरव्यू में उससे पूछा था याद आ गया आज मुझे वो इंसिडेंट ओके सो ये जो इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन हो रहा है यहां से यहाँ और ये होल माइग्रेशन हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो होल्स है ना वो होल्स पहले ऐसे आ रहे हैं ऐसे यू और फिर यू माइग्रेट कर रहे हैं सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है इनकेस कि एक इलेक्ट्रॉन यू ना जाके ये यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे होल आ जाए ये होल और ये इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये दोनों रिकम्बाइन हो जाए ये यह दोनों यहाँ रिकॉम्बाइन हो जाए तो ये जब रिकम्बाइन हो जाएंगे तो ये कंडक्शन बैंड मतलब एन टाइप से पी टाइप में नहीं पहुँच पाएंगे और होल भी पी से एन में नहीं पहुँच पाएगा तो ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है ये किस पे डिपेंड करता है हाँ आपने खुद से सोचा बहुत अच्छी बात है खैर मुझे आ, मैं पढ़ता था तो मुझे पता चल गया था फिर डीआरडी के इंटरव्यू में पूछा तो मुझे और क्लैरिटी हो गई एक्सप्लेनेशन देने के बाद मुझे खुद क्लैरिटी मिली मतलब तो मुझे भी नहीं पता था ये चीज मुझे अच्छे से पता है या नहीं पता है बट एक्सप्लेन करने के बाद पता चली मुझे okay, ओके तो बेसिकली ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है ना ये रिकॉम्बिनेशन ये होता है बेसिकली बैंड बैंड से बैंड में जब ट्रांसफर हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन और होल कैप्चर हो जाते हैं और यहाँ पे आके रिकम्बाइन हो जाते हैं तो इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन फैक्टर आता है इसकी वजह से तो अगर हमारा ये देखें तो जो हमारा बैंड डायग्राम है ये इसमें यहां से यहां तक ये है आपका ईजी और यू कैन से मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट ले लेते हैं ऑलमोस्ट ये ईजी है तो क्या होता है अगर एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है अगर एनर्जी गैप ज्यादा होगा ईजी इज लार्जर देन वी बी आई विल ऑल्सो बी लार्जर जो अगर हमारा एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होगा तो उसमें बैरियर वोल्टेज भी ज्यादा होगा और बैरियर वोल्टेज ज्यादा होता है तो ये जो रिकॉम्बिनेशन है इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है रिकॉम्बिनेशन इज मोर सो वी कैन से रिकॉम्बिनेशन नेशन विल इंक्रीज और ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है ये डिप्लीशन रीजन में होता है मतलब डिप्लीशन रीजन मतलब ये वाला रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिप्लीशन रीजन में रिकॉम्बिनेशन बढ़ता है तो ये रिकॉम्बिनेशन बढ़ने की वजह से एक रिकॉम्बिनेशन फैक्टर या आइडियलिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है इन द फॉरवर्ड बायस करंट तो फॉरवर्ड बायस करंट की पावर क्यू बाय केन और अदरवाइज इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो आई नॉट ई टू दावर वी माइनस वन ऐसे लिखते हैं ना आप लोग ये लिखते हैं

ये बोलते हैं ईटा दिस इज ईटा ईटा क्यू वी ईटा क्यू वी बाय के टी माइनस वन या तो आप ऐसे लिख लो अदरवाइज आई नॉट ई टू पावर ईटा वी टी ईटा वी नो नॉट ईटा सॉरी 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 मैंने मिस्टेक कर दी आई हैव मिस्टेक मिस्टेको मटा देता हूं सॉरी ये वैल्यू हो जाती है क्यू वी बाई ईटा के टी सॉरी अब सही है अब मैं कहूँ कि मल्टीप्लाई में कैसे आ गया सो आई नॉट ई टू पावर वी बाय ईटा वी टी माइनस वन कुछ ऐसे आ जाती है दिस इज द इक्वेशन तो यहाँ ये जो ईटा है हाँ डिनोमीटर में आएगा मैंने ही गलत दिया सर वाई चार्ज कैरियर कैन नॉट बी कैन नॉट रिसाइड इन साइड डिप्लेशन रीजन एंड वट विल है प्लेस इफ द प्लेसम चार्ज कैरियर्सिंग इन द डिप्रेशन ओके देखो अंकुर मैं बता रहा हूं आपको जो डिप्लीशन रीजन होता था याद आ रहा होगा आपको मान लो ये डिप्लेशन रीजन है यहाँ पॉजिटिव आयन है इन साइड में और यहाँ नेगेटिव आयन है पी साइड में तो इसके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ब्रिटेन इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन होल यहां पे इलेक्ट्रॉन होल रह रहे हैं मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया यहां पे यहां, पे यह यहां यह तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दिस इलेक्ट्रॉन विल रिपेल बैक द एन रीजन वो वापस एन रीजन में चले जाएगा मान लो कोई होल आता है कोई होल है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल पे लगने वाली फोर्स होगी अब वो इधर आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन होल वहां से क्रॉस करते हैं बट तो वहां पे स्टे नहीं कर पाते स्टे स्टे नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है

एक तरफ आपने ट्राइबलिटीज मिलाई एक तरफ पेंटावेलेंट इंप्य और वो जब इंप्योरिटीज इनकॉर्पोरेट करते हैं तब ये डिप्लीशन रीजन बनता है अपने आप डिप्लीशन रीजन में डोपिंग नहीं की जाती और अगर मान लो आप यहाँ पे डोपिंग कर भी रहे हो इनकेस तो वो इलेक्ट्रॉन और होल जो होंगे डोनर इंप्योरिटी और एक्सेप्टर इंप्यूरिटी वाले वो सेपरेट हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ सिर्फ बॉन्ड्स और आयंस ही बचेंगे एटम्स भी होंगे क्योंकि अगर बॉन्ड्स बन रहे हैं तो वहां पे एटम्स भी लाई कर रहे होंगे बट उनका जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल होगा वो सेपरेटेड हो जाएगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इट रिकम्बाइंस आयंस आय इंप्योरिटी इट रिकम्बाइंस रिकम्बाइन आयंस ऑफ इंप्योरिटी इंप्योरिटी आयंस को रिकम्बाइन करवा नहीं नहीं इंप्योरिटी के इलेक्ट्रॉन और होल्स को रिकम्बाइन करवा लेते हैं ताकि आय यहां बच जाते आई थिंक इट इज मोर अप्रोप्रेटिव टेल यू दिस

इसीलिए उसमें जो बैरियर होता है वो भी लार्ज होता है और बैरियर लार्ज होने की वजह से जो करंट होती है वो स्मॉल हो जाती है सो वी विल कॉल्ड इट एज इज इज इक्वल इक्वल टू टू फॉर लार्जर एंड फॉर स्मॉलर एंड देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन बिहाइंड दिस इनके पीछे रिकॉम्बिनेशन ही एक रीजन है तो ये ईटा क्या है दैट इज कॉल्ड एज आइडियलिटी फैक्टर आइडियलिटी फैक्टर और रिकॉम्बिनेशन फैक्टर और रिकॉम्बिनेशन आइडियलिटी फैक्टर रिकॉम्बिनेशन फैक्टर तो सिलीक में जो होता है बैंडगैप ज्यादा होता है इसलिए उसकी वजह से वहां पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाता है इस वजह से वहां पे करंट कम आती है समझ में आएगा आई होप ये समझ में आएगा आपको ये ओके okay, एक चीज और रह गई है अभी मैंने एक बोला था आ, थोड़ा सा टाइम है अपने पास अभी हाँ है क्वेश्चन भी करने हैं वैसे अपन को तो डीसी सर्किट डायोड का डीसी सर्किट बता रहा हूं मान लो कि ये डायोड है दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड सपोज मैंने इसे मान लिया तो ये हमारा ये डायोड है डायोड में ये जो एरो होता है दिस इज पी रीजन और ये जो बार होता है दिस इज एन रीजन ठीक है अब इस पर अगर मान लो मैं कोई एक वोल्टेज लगा दूं और वोल्टेज लगाता हूं मैं यहां से यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव V ये अप्लाइड वोल्टेज है इसमें अब अप्लाइड वोल्टेज है तो अप्लाइड वोल्टेज की भी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द कर्व अगर मैं सीवी कर्व सॉरी आईवी कर्व देखूं बहुत पीछे चला गया आईवी कर्व ये आईवी करेक्टर इसमें अगर देखूं तो दो कंडीशन है फॉरवर्ड बायस में भी कि या तो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज वी गामा से कम होगा या वी गामा के बराबर या उससे ज्यादा होगा तो तो यहां पे एक कंडीशन है एफ वी इज लेस देन वी गामा अगर वी की वैल्यू वी गामा से कम है से कम है तो जो करंट फ्लो हो रही होगी डायोड मेंंटलोइंग ओपन सर्किटेड सो एनोडोड इज नो करंट फ्लोइंग टू बी जीरो ओपन सर्किटेड हो जाएगा वो विल बी प्योरली ओपन सर्किटेड नाउ अगर मैं ले लू इफ

तो मैंने बताया भी था ना कि एक एन टाइप सेमी कंडक्टर है दोनों साइड मैंने अलग अलग हमने क्या है यूनिफॉर्म डोपिंग नहीं करी है नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग है तो उसकी वजह से एक जंक्शन फॉर्म होगा जो कि वन साइडेड जंक्शन होगा एक ही साइड में डिप्लेशन होगा दोनों साइड में नहीं होगा तो अगर बोलोगे तो ये बता दूंगा अभी भी थोड़ी देर पहले बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन करें ठीक है तो डिफ्यूजन होगा जिसकी वजह से वन साइडेड वन साइडेड जंक्शन बनेगा और उसमें बिल्ट इन वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको आई थिंक परसों की क्लास में बताया था परसों कि अगर एन 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 माइनस या प्लस कोई एक आ, आ, हमारा सेमीकंडक्टर है तो उसमें बिल्ट इन वोल्टेज लाई करेगा या फिर पी पी प्लस अगर सेमीकंडक्टर है तो उसमें भी बिल्ट इन वोल्टेज लाई करेगा वो अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम जे एन और जेपील टू जीरो रख के आप निकाल सकते हो बुलटिन वोल्टेज जैसे मैंने भी बिल्टिन वोल्टेज कल निकाल के दिखाया था वैसे आपको आप उससे कर सकते हो तो ये मैंने बता दिया था पहले ही ओके okay, तो ये जो है ये आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस और ये है आपका कट इन वोल्टेज तो वी कैन मॉडल दिस दिस जो डायोड है अगर उसमें वी इज ग्रेटर देन वी गामा है या इक्वल टू वी वी गामा है सो कैन मॉडल द डायोड लाइक दिस और वो कुछ ऐसे दिखाई देगा और ये जो करंट फ्लो होगी एनोड टू कैथोड एनोड कैथोड मतलब पी टू एन पी टू करंट पी टू एन जो करंट फ्लो होगी ये होगी आपकी आई अब यहां से अगर देखें तो इसके अक्रॉस मैंने यहां से यहां तक ये वोल्टेज कितना लगाया वी तो अगर मैं इसको मॉडल करूं तो वी कैन मॉडल लाइक दिस सॉरी या मैं नीचे करके दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा यहां पे ये वोल्टेज मैंने अप्लाई किया हुआ है वी ये है आर एफ ये है वी गामा और ये जो करंट फ्लो रही है दैट इज आई एफ तो इस वाले लूप में केवीएल लगा लो इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा वी इज इक्वल टू आई एफ इंटू आर एफ प्लस वी गामा तो यहां से आई एफ की वैल्यू निकालोगे तो आई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी वी माइनस वी गामा बाय आर एफ दिस मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास आई एफ की सही है तो यहां से ये अपन ने ये मॉडल बनाया ये निकाल लिया अब अगर मान लो कि ये आपका कैथोड है कि ये आपका ए ये सी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस।, रेजिस्टेंस है और ये डीसी वोल्टेज है तो एसी रेजिस्टेंस और डीसी वोल्टेज को हमने एक साथ लिया है वाई नॉट कैपेसिटेंस तो गो फॉर कैपेसिटेंस तो इफ

ये है आपका एसी वो ये है टोटल टोटल मॉडल जिसमें एसी और डीसी सारे पैरामीटर ऐसे आ जाएगी ये कुछ ऐसे नाउ अब अगर मैं बात करूं कि प्योर डीसी मॉडल चाहिए प्योर डीसी मॉडल या प्योर एसी मॉडल तो कैसे पता लगाएंगे तो नाउ अगर मैं बात करूं प्योर डीसी मॉडल सिर्फ डीसी चाहिए अपने को एसी नहीं चाहिए तो डीसी में क्या हो जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ना ये एसी रेजिस्टेंस है तो एसी सारे पैरामीटर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं एसी पैरामीटर को नेगलेक्ट करेंगे तो एसी रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा कैपेसिटेंस जीरो होगी तो इसकी ये ओपन सर्किट हो जाएगी रेजिस्टेंस जीरो होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज वी गामा एनोड टू कैथोड देयर विल बी वी गामा ऐसे करंट फ्लो होगी ये है आपका प्योर डीसी मॉडल अब एसी मॉडल की बात करें तो एसी मॉडल कैसे आ जाएगा एसी मॉडल विल लुक लाइक कि जो हमारा डीसी सोर्स है ये शॉर्ट हो जाएगा और डीसी सोर्स शॉर्ट हो जाएगा तो दिस विल बी लुक लाइक दिस इज एनोड दिस इज कैथोड दिस इज सी डिफ्यूजन कैपेसिटर दिस इज आर ये आपका ए मॉडल है दिस इज नाउ ए मॉडल दिस इज डी मॉडल एंड दिस इज कम्बाइंड मॉडल ये कम्बाइंड पर एक डायोड का लाप्लस <laughs> अरे यार लाप्लास मतलब पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाने के लिए तो आप ये कैपेसिटेंस है ना और ये रेजिस्टेंस है अब मैंने ये मॉडल बना दिया यू कैन डू एनीथिंग आप सिग्नल में जाओ उसको अप्लाई करो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये आपके पास अब एक नेटवर्क हैटवर्क है एक, एक, नेटवर्क, एक ब्लैक बॉक्स है अब इसमें आप कुछ भी अप्लाई कर लो ठीक है ना अगर आप कुछ भी अप्लाई कर लो अब इसमें ये पूरा कंप्लीट मॉडल है एसी प्लस डीसी इस मॉडल में जाके इसको फ्रीक्वेंसी मोड में ले जाओ ये हट जाएगा बिकॉज डीसी मॉडल है फ्रीक्वेंसी जीरो ये दोनों रह जाएंगे सिर्फ तो अलग अलग ये ये वाला ए वाला मॉडल जाके लाप्लास में फ्रीक्वेंसी मॉडल में ले जा सकते हो आप सो यू कैन डू वट एवर यूट मैंने अभी तक नहीं किया कभी ऐसा ट्राई नहीं किया लाप्लास में ले जाने का मतलब ही क्या है बेसिकली अपन लोग जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल रहे हो तो अपन लोग लाप्लास में ले जाते हैं तो जैसे हाँ बता देता हूँ कि गेट में एक क्वेश्चन आया था एनालॉग में

एक्सिडी आ जाएगा ये दिस इज द मॉडल अब एक्ससीडी को आप लाप्लास में ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है यू विल बी एबल टू डू इट लाप्लास से सॉल्व कर लो या आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डोमेन में आना चाहते हो डायरेक्टली एस डोमेन में नहीं जाओगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो इसको रख दोगे वन बाय जीरो में सी तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाओगे सही है ना ये क्वेश्चन भी आया हुआ था गेट में करंट पूछी हुई थी ये आपको पता है इसको ये इसकी वैल्यू ये रही ये करंट पूछी हुई थी कितनी होगी अब निकालना आप ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपसे गेट का ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओके okay. तो ये मॉडल समझ में आया ये डीसी मॉडल और एसी मॉडल ये कैसे वर्क कर रहे हैं एसी मॉडल डीसी मॉडल आई होप समी विलिंग में कि ए डीसी मॉडल बता दो डीसी लोड लाइन क्या है वो फॉरवर्ड सिक्स पे ऐसे एक लोड लाइन कर दो प्लॉट एक क्यू पॉइंट आ जाएगा वो डीसी लोड लाइन आ जाएगी तो डीसी लोड लाइन इज यू विल स्टडी इन एनालॉग डोंट वरी अबाउट इट आप एनालॉग में पढ़ोगे ये मॉडल्स है ऐसे इनको यूज करते हैं लोग डायोड को अगर हाँ, इसके बाद एक और है कि अगर रिवर्स बायस में सपोज द डायोड इज इन रिवर्स बायस ये ये एनोड है है कैथोड फ्रॉम टू हेयर बट वी ऑफ रिवर्स बायस ये रिवर्स बायस वोल्टेज है तो रिवर्स बायस में क्या होता है कोई भी कट इन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है कट इन वोल्टेज वाला ऐसा तो हो नहीं रहा है कि कुछ वोल्टेज के बाद करंट स्टार्ट हो रही हो वो होता है ब्रेकडाउन में तो अगर आप बोलोगे तो कल मैं आपको जेनर डायोड का भी इक्वलेंट सर्किट बना दूंगा तो आपको ब्रेकडाउन भी समझ में आ जाएगा बट यहां ब्रेकडाउन नहीं है तो ब्रेकडाउन नहीं बना रहा हूं कल बनाऊंगा ब्रेकडाउन स्पेशल डायोड्स में जेनर डायोड में याद दिला देना आप कमेंट सेक्शन में सम्भि रिमाइंड में तो मैं वो बना भी दूंगा उसके इक्वेलेंट सर्किट तो रिवर्स बायस में यहाँ पे बिल्कुल जैसे ही अपन लोग रिवर्स बायस वोल्टेज लगाते करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है और फिर सैचुरेट हो जाती है तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकली इट विल बी रिप्लेस बाय रिवर्स रिस्टेंस Anode to cathode, और जो करंट फ्लो होगी वो कैथोड से एनोड होगी ये रिवर्स करंट की डायरेक्शन होगी और आइडियली अगर देखें तो इट बी ट्रीट ओपनिट और इनफैक्ट अगर प्रैक्टिकली भी बात करूं ना प्रैक्टिकली भी ऐसे, ऐसे ही यूज नहीं करते ही यूज कर रहे हैं वाई वट इज द रीजन बिकॉज रिवर्स रजिस्टेंस निकालने का कोई रीजन नहीं है या कोई तरीका नहीं है अपने पास

ड्राइव नहीं कर पाते इसलिए उसको लेते भी नहीं है उसको हमेशा ओपन सर्किट मान लेते हैं सर आई हैव अ डाउट नो वन हैज सीएलआर नो वन अब क्लियर मी व्हाट विल हैपन इफ डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज इज इन पैरेलल इन पैरेलल इन अ पैरेलल विद डायोड व्हाट विल हैपन इफ डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज इज इन पैरेलल यार ये तो सोचना पड़ेगा ये मैंने करा नहीं अगर सीरीज में होते सीरीज में होते तो समझ में आ जाता कि एक टाइम पे अपन लोग डीसी एनालिसिस करेंगे और एक टाइम पे अपन लोग एसी एनालिसिस करेंगे मतलब ऐसे करते हैं ना ऐसे ये सीरीज में है ये सोर्स तो, तो, तो अपन लोग एक टाइम पे क्या है डीसी एनालिसिस करेंगे तो एसी को शॉर्ट कर लेंगे एसी एनालिसिस करेंगे डीसी को शॉर्ट कर लेंगे और निकाल लेंगे बट अगर दोनों एक साथ पैरल में है तो अपन लोग सेपरेट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे ये तो पक्का है सेपरेट एनालिसिस का मतलब है अपन शॉर्ट करेंगे अगर पैरल में है मान लो टेक uh, like आप ऐसे बोल रहे हो ये तो सेपरेट एनालिसिस सिर्फ डीसी या सिर्फ एसी एनालिसिस तो नहीं होगा बिकॉज डीसी एनालिसिस लेंगे

ये नोड वोल्टेज मान के इसको ग्राउंड लेके नोड वोल्टेज मान के कर लेंगे इसको कंबाइंड एनालिसिस मे बी की सर ऐसे एनीथिंग से तो गेट में आ जाए आ गेट में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है तो शायद नहीं आता है मोस्टली तो मैंने अभी तक तो यही देखा ठीक है कोई नहीं यार मतलब तो ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं सबके अपने अपने हो सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हां ये वाले में कंबाइंड एनालिसिस इज पॉसिबल सेपरेट एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल अब वही अपन लोग फिर के वीएल के सी एल लगा के ही करेंगे इसको और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास कंबाइंड एनालिसिस करेंगे इसका मैंने भी कभी करा नहीं है ये आज पहली बार मैंने भी देख रहा हूँ देख रहा हूं ये ओके सो दिस इज अबाउट दैट सर्किट्स दैट इक्विवेलेंट सर्किट्स नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस लेट्स डू इट वन वन बाय एंड करके करते हैं कैलकुलेट द स्पेस स्पेस चार्ज चार्ज का मतलब क्या है डिप्लिशन वेट थी निकालनी है अपन को डिप्लीशन वेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पीएन जंक्शन एट फॉर जीरो है कंसिडर अलिकन पी एन जंक्शन एट टी इक्वल टू थ्री हंड्रेड कैलविन विसन ऑफ दिस एंड तो ये तो खैर है

ये सिलिकन के लिए डिफॉल्ट वैल्यू है मैंने बोला ना मैं करवाऊंगा तो ऐसे कर लेना तो ये हो जाएगा येड बाई एन आई स्क्वायर की वैल्यू होगी टू पॉइंट टू फाइव इन टू टेन टू पावर ट्वेंटी ये हो जाएगी वैल्यू तो यहां से इसकी वैल्यू आप निकालोगे वीबीआई की

अनबायस केस है जीरो बायस केस है, मतलब कोई भी बायस नहीं लगाए तो टू एफन एस ए प्लस वन बाय डी इंटू वीबीआई माइनस जीरो आ जाएगा नो पुट दिस वैल्यू सो आ जाएगा डब्लू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इंटू एफ एफ नॉट होगा पहले एफ नॉट

तो इसका तो है मेरे पास आंसर डिप्लेशन वेट का नाइन पॉइंट फाइव टू थ्री नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कुछ ये आ जाएगा आपके पास आई होप ये आ रहा होगा आंसर डिप्लेशन वेट का अब अभी तो टिपिकल है अभी तो खैर कैलकुलेटर है मेरे पास तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा आगे के मैंने कैलकुलेट नहीं करे हैं शायद यहां तक का तो आंसर है अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डिप्लेशन वेट तो आ गई यह है डिप्रीशियन विथ का आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई e मैक्स अगर मैं देखूं तो या तो अपन लिख सकते हैं क्यू एन डी बाई एफ एस इन डब्लू एन या फिर लिखेंगे क्यू एन ए डिड बाई एस इंटू डब्ल्यू पी तो डब्ल्यू एन या डब्ल्यू पी में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो तो लेट्स फाइंड इट आउट डब्लू एन एन की वैल्यू होगी टू एफ एन एस बाय क्यू एन ए बाय इंटू वन बाय एन ए प्लस एन डी इंटू वी बी आई माइनस यू ये आ जाएगी वैल्यू अब यहाँ से निकाल लो नहीं तो मेरे पास एक और तरीका है डब्लू पता है और आसान तो वो भी रहेगा तो ये डब्लू इजिकल टू हो जाएगा डब्लू एन प्लस डब्लू पी डब्लू इजिकल टू डब्लू एन प्लस एन डी बाई एन एन टू डब्लू एन डब्ल्यू इज टू हो जाएगा डब्लू एन वन प्लस एन डी अपॉन एन ए यहाँ से ज्यादा इजी रहेगा खैर डब्ल्यू एन निकालना डब्लू एन इजिकल टू डब्ल्यू इन टू एन ए डिडेड बाई एन ए प्लस एन डी हाँ ये ज्यादा बेटर है सो दिस इज इजी टू कैलकुलेट अब ये एन एन ए की वैल्यू कितनी है एन ए की वैल्यू है टेन पावर सिक्सटीन तो टेन टू द पावर सिक्सटीन डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टेन टू द पावर सिक्सटीन प्लस टेन टू द पावर फिफ्टीन इट इज ओके इन टू 9.523 तो आपका डब्लू एन इज इक्वल टू एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यह आ जाएगा एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब वैल्यू रख देते हैं तो ई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू एन की वैल्यू है टेन पावर सिक्सटीन डिवाइडेड बाय एफ सैलन 8.85 एट पॉइंट टेन रेस टू दावर माइनस फोर्टीन इंटू इलेवन पॉइंट सेवन इंटू एट पॉइंट सिक्स सिक्स पावर माइनस फाइव एट पॉइंट टेन टू दावर माइनस फाइव ये है सो लेट्स डू इट ये होगा पांच और पांच ये कैंसिल हो जाएंगे माइनस फाइव है ना माइनस टेन हो जाएंगे ओके माइनस टेन से ये कैंसिल हो जाएगा ये सिक्स बचेगा ओके okay, आप कर लेते हैं फटाफट 1.6 इनटू 1.6 आप लोग भी कर लो कैलकुलेशन अगर हो रही है तो फटाफट कैलकुलेशन 1.6 इनटू 8.66 मेरी कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी अगर आप लोग कर लोगे तो 8.85 इंटू इलेवन पॉइंट सेवन इतना इंटू टेन टू दावर सिक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन टू दावर फाइव वोल्ड पर सेंटीमीटर ये आ जाएगा 1.34 पॉइंट 1.7 थोड़ा सा डिफर आ गया टेन टू द बार सिक्स आया आपका पक्का मैंने सही है ना यार मैं देख लेता हूँ ओके लेट मी चेक माइनस नाइनटीन प्लस सिक्सटीन माइनस फाइव सही है मेरा सही है यार कैलकुलेटर ये वाला कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता वहां पे तो वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है उस पे करना रहता है उस पे प्रैक्टिस कर लेना उसके बिना कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से तो आंसर सही है ये आंसर ठीक है ये इसके कैलकुलेशन के हिसाब से ये आई थिंक ठीक है ये और यू कैन चेक आंसर वंस अगेन क्योंकि आज मैंने किया नहीं था इसका सॉल्यूशन मैं करना भूल गया था तो ये चेक कर लेना आप ई मैक्स और भी कुछ पूछा था क्या इसमें कैलकुलेट स्पेशल ओके हाँ बस यही क्वेश्चन था ओके लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन देन ये आप चेक कर लेना एक बार और आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन एट 300 केल्विन विद डोपिंग कंसंट्रेशन एन ए टू 20 पर 17 एन डी इज टू 10 पर 14 अज्यूम दैट एन इज दिस एंड रिवर्स बायस वोल्टेज इज गिवन वी आर V R दिया हुआ है तो वो रिवर्स बायस वोल्टेज होगा वी एफ दिया होगा तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज गिवेन कैलकुलेट मैं भूल गया इसको यू एरिया तो कैपेसिटेंस पर कल याद आ रहा होगा आपको मैंने ये निकाला था डब्लू तो यही दो है बाकी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई होप यू रिमेंबर दैट कि एफ को अपन अंदर रे गए थे तो ये हो जाएगा टू बाकी पैरामीटर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ वन डिवाइडेड बाय वन बाय एन प्लस वन बाय एन डी रिवर्स बायस वोल्टेज दिया हुआ है ना अपन को तो वी बी प्लस वी हो जाएगा यहाँ पे ये फॉर्मूला है पूरा बस इसमें पुट कर देना अपन को ये मिल जाएगा फैरेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो एवरी पैरामीटर इज गिवन टू यू इजी है ओके okay, यस yes. एवरी पैरामीटर मीन आई आपको निकालना पड़ेगा बिल्ट इन वोल्टेज। सो सो की वैल्यू वैल्यू होगी इसकी आप निकालोगे आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन है शायद ये हाँ, ओके okay. इसकी वैल्यू सेम आएगी जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन ये सेम आएगी वैल्यू फिर उसके बाद शायद मैंने ना पहले मैंने शायद डब्ल्यू की भी कैलकुलेशन की हुई है अगर आप डब्ल्यू डिप्लेशन विथ निकालोगे डिप्लेशन विथ का ये फॉर्मूला है टू एफ साइल बाय क्यू वन बाय एन प्लस वन बाय एन इनटू इन प्लस ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज सो एवरी डेटा इज गिवन टू यू यू हैव टू पुट इट हेयर यू विल गेट टू इन into 10 to the power minus 14 into 11.7 divided by 1 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs into 1 by 10 to the power 10 to the power 14 and 10 to the power 17 10 to the power 14 plus 1 by 10 to the power 17 into vbi is 0.637 plus 17 0.637 70 हमेशा दिख रहा होगा 70 तक तो ये जब आप वैल्यू निकालोगे डब्लू की तो डब्लू की मेरे पास पहले से निकला हुआ है इसलिए मैंने बोल दिया डब्लू. डब्लू है 1.512 1.512 इनटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर अब सी प्राइम की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन s w दैट इज 8.85 10 टू द पावर -14 Into 11.7 divided by 1.512 into 10 to the power minus 3. So C prime value you will get as 6.85. 6.85 into 10 to the power minus 10 farad per centi. 10 to the power plus 10. Sorry, minus 10. Minus 10 farad per सेंटीमीटर स्क्वायर। हम्म। क्या एनएक्स एनोसोडेल फंक्शन ऑफ़ एक्स हो सकता है क्या? डोपिंग पे डिपेंड करता है हाउ यू डू डोपिंग? वैसे जब अपन लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस उसपे अलग-अलग सरफ़ेसेज होते हैं जैसे आपने देखा होगा जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो या फिर वन वन वन

डोपिंग करते वक्त ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा उसका तब उसके बाद ये डोपिंग पॉसिबल होगी ये वाली डोपिंग तो कभी मैंने भी नहीं की है मैंने भी डोपिंग की कैलकुलेशन जो की है वो एक्सपोनेंशियल की है या लीनियरली की है एक्सपोनेंशियल भी डोपिंग की है और जब आ, वे फंक्शन हमने देखा था जब आ, उसका पढ़ते हैं तो वो भी शायद साइनोसॉइडल नहीं था या तो कॉन्स्टेंट था पढ़ा है वे फंक्शन पढ़ा है सॉरी वे फंक्शन पढ़ा है साइनोसॉइडल तो उससे एनर्जी बैंड्स तो आ जाते हैं बट मैंने कंसंट्रेशन कभी ऐसे नहीं देखा साइन मतलब निकाला नहीं है कभी ऐसा ओके okay, सो so ये है आपकी कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है कैलकुलेट द माइनोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एट द एज ऑफ स्पेस चार्ज रीजन इन फॉरवर्ड बांसनट्रेशन एट द एज ऑफ स्पेस चार्ज रीजन डिप्लीशन विथ की एज पे कैरियर तो निकलवाशन विथ की एज पेरियर अपनेवर्ड बाज ऑफ पॉइंट सिक्स वोल्ट इज अप्लाइड टू दी एन जंक्शन पॉइंट सिक्स वोल्ट अप्लाइड है तो अपने को पहले से ही पता है अभी अभी निकाल के आ चुके हैं एन जीरो की वैल्यू क्या होगी एन पी नॉट ई टू दावर क्यू वी बाय के टी ठीक है ये होगी एनआई स्क्वायर अपॉन एन ए टू दावर क्यू वी बाय के टी सारी वैल्यूज पता है पुट कर लो एन आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी डिवाइडेड बाय एन एन ए की वैल्यू अपन को दी हुई है वैल्यू पावर अब ये आपको दिया हुआ है वोल्ट डिवाइडेड होगा तो यहां से एन जीरो की जो वैल्यू आएगी आई हैव रेडी कैलकुलेशन फॉर दिस थ्री पॉइंट नाइन फोर सिक्स इंटू टेन टू पर सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा आपके पास एन जीरो पी जीरो निकालेंगे तो पी जीरो पी एन नॉट ई टू दूटीक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एनडी टू द्यू वी बाय के टी इसकी वैल्यू पुट कर लो तो यह हो जाएगा टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी Divided by एनडी ND. Nd की वैल्यू कितनी है एनडी की वैल्यू है अपने पास दैट यू विल गेट एज टू पॉइंट थ्री सिक्स एटरी टू पॉइंट थ्री सिक्स

तो याद आ रहा होगा आपको ये तो मैंने बताया था कि पी साइड में जो टोटल एरिया होता है पी साइड में टोटल एरिया मैंने लिख के भी दिखाया था आपको इक्वेश लिख रहा था मैं पी साइड में टोटल एरिया कितना होगा पहले तो पी साइड में जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है माइनस क्यू इन एन ए ये तो थी चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम के लिए होगा एरिया इंटू कितनी लेंथ में लाई करता है तो वह डिप्लिशन बेट में डब्लू पी ये ये पूरा आपका चार्ज है अब हमें निकालना है चार्ज पर यूनिट एरिया लिख लेंगे qp qp प्राइम इज इक्वल टू qp डिवाइडेड बाय एरिया मैंने प्राइम लगा दिया मतलब ये पर एरिया हो गया है. qp इंटू डब्ल्यू पी तो अपने को wp पी पता हो एन ए पता है अपने को क्यू पता, पता होता है डब्ल्यू पी पता हो तो हो जाएगा तो wp पी के लिए पहले vbi पता होना चाहिए VBI होगा आपका के टी बाय क्यू नेचुरल लॉग एनएएनडी बाय एनआई स्क्वायर तो इसकी जो वैल्यू होगी 0.026 नेचुरल लॉग ऑफ एनएएनडी एनएएनडी कितना है 10 टू पावर 16 एंड 10 टू पावर 17 10 टू पावर 16 10 टू पावर 17 डिवाइडेड बाय 2.25 10 टू पावर 20 तो यहां से ये वी आप निकालोगे तो यह आ जाएगा आपका जीरो पॉइंट सेवन फाइव सेवन जीरो पॉइंट सेवन फाइव सेवन यह आ जाएगा आपका वी अब यहाँ से आप Wp की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू डायरेक्ट मैं निकाल दे रहा हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू अवेलेबल है तो ये जाएगा टू एफ्स s एन एस बाई क्यू पी निकाल रहे हैं तो एन डी अपन एन ए इन वन बाय एन ए प्लस एन डी इंटू वी ये हो जाएगा और क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज जीरो है ऐसा दे रखा था कि देर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड इसीलिए मैंने वी लिख लिया तो या फिर आप इसको लिख देना वी वी जीरो नाउ इट इज बेटर अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लो तो ये हो जाएगा आपका टू इंटू एट टू दावर माइनस फोर्टीन इंटू इलेवन पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट नाइनटीन इंटू एन डी अपॉन एन एन डी अपॉन एन ए क्या है एन डी डोनर कंसलटेशन है टेंट टेंट टू पार्सटीन अपॉन टीन इंट वन बाई 17 इंटू जीरो पॉइंट सेवन फाइव सेवन यहां से सॉरी यहां से जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो डब्ल्यू पी की वैल्यू ये आ जाएगा आपका टू पॉइंट नाइन एट इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स सेंटीमीटर ये आ जाएगी आपकी डब्ल्यू पी की वैल्यू ना डब्ल्यू पी की वैल्यू सर इस कंसेंट्रेशन इक्वल में

अच्छा ओकेशन ऑफ टू वेरीबल्स अच्छा उस इक्वेशन में आपने जो इक्वेशन लिखी शायद आप उसी के बारे में बोल रहे थे सॉरी मेरा ध्यान इधर था मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर चल रहा था ओके क्यू पी क्यू पी प्राइम विल बी इक्वल टू माइनस क्यू एन ए इंटू डब्लू पी ये खत्म कर लेते हैं

कि आप लोग ये ट्राई करना मैं चाह रहा था सवा दस तक खत्म कर लेंगे तो ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये एक बुक में था और मैं जनरली जब भी पढ़ा रहा हूं जब से मैंने ये क्वेश्चन देखा था कंसंट्रेशन इक्वेशन अच्छा कंसंट्रेशन ओके सो ये होमवर्क है ओके टेक होमवर्क आई वांट यू टू जस्ट वर्क ऑन इट इसमें वर्क करो उसके बाद आजमी टमोरो और डे आफ्टर टुमारो जब भी टाइम होगा याद दिला देना ये अला क्वेश्चन मैं करवा दूंगा ये अला क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा याद दिला देना ये ये होमवर्क ले लो आप ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक बुक में था तो इसको करेंगे और आ, अंकुर यू हैव फ्यू डाउट्स लेफ्ट सो लेट्स मीट डेली एंड विल क्लियर योर डाउट्स वन बाय वन आज इतना ही कर लेते हैं डोनल्ड नीमेन पैराबोला ग्राफ दिया है

P को हमने लिख दिया था एच बार इंटू के एच बार इंटू के लिख दिया था ना वो अपन ने तो बस उसी को डेरिवेटिव लेना ना दो बार डेरिवेटिव ले लेना ई e का विद रिस्पेक्ट टू के तो आपका स्टार की वैल्यू आ जाएगी स्टार की वैल्यू आ जाएगी एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर तो अब वो जो आपने पैराबोला दिया है ना पैराबोला दिया हुआ है तो उसमें वैल्यू पूछा है तो पैराबोला की कर्वेचर जो है वो होगी डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर उस पर डिपेंड करेगा इफेक्टिव मास हाँ या तो ग्राफ के वो इक्वेशन दी होगी पैराबोला की इक्वेशन देंगे तभी हम लोग कर पाएंगे ना सर एक ही डीपीपी मिली अभी तक और ये डीपीपी मैंने दे दी है ऑलरेडी मतलब मैंने बात कर ली है डीपीपी ऑलरेडी अपलोड हो रही है आई थिंक कोई या तो कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं देख लेता हूँ मैं चेक कर लूंगा मैंने बोला था आपने फर्स्ट डे भी बोला था तो मैंने बोला था विद रिस्पेक्ट टू के हाँ वही ई का डेरिवेटिव ले लेंगे दो बार विद रिस्पेक्ट टू के तो क्या होगा ना या तो ये दिया होगा ये जो होता है ना ये डी स्क्वायर ई कर्वेचर है तो अगर ज्यादा होगी मतलब ज़्यादा होगी कर्वेचर, तो उसका कम कम होगा और कम कर्वेचर होगी तो इसका मास ज्यादा होगा तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं बाकी अगर ई का जो हमें वो जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन दी होगी तब हम इसको निकाल पाएंगे तो आ, एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन बोलते हैं उसको जो ई e और के का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन वो अगर गिवन होगा ना तभी हम ये बता पाएंगे यार कि कैसे इफेक्टिव मास कितना आ रहा है एग्जैक्टली स्वागत आई थिंक समझ में आ रहा है आपको ये कि डिस्पर्शन रिलेशन अगर गिवन नहीं है तो अपन नहीं बता पाएंगे यार इंडिगो यू यू वर सिंग अच्छा मैं चेक कर लूंगा ओके okay, मैं ये डीपीपी वाला आ, क्लियर करता हूँ आज ठीक है और आ, स्वागत यू कैन आस्क फॉर की डिस्पर्शन रिलेशन ई e और के में जो रिलेशन होता है उसको अपन बोलते हैं डिस्पर्शन डिस्पर्शन एनर्जी दिस्पर्षन रिलेशन वो फाइंड कर लेना फिर उसके बाद ही पता चलेगा मैनुअल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है सोल्यूशन मैनुअल से तो पहले उसको समझो तो एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन दिया है कि नहीं डायरेक्टली तो नहीं हो सकता डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे अपन एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन पता होना चाहिए या हो सकता है वो किसी और क्वेश्चन से इंटरलिंक्ड हो वहां एनर्जी डिस्पर्सन रिलेशन दिया हो यू कैन चेक विद दैट एक बार चेक करना डाउनलोड सॉल्यूशन डाउनलोड करने से पहले पहले चेक करना उसको ठीक है ओके सो ऑल द बेस्ट गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुडे विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम सेवन थर्टी नहीं दी है क्वेश्चन तो फिर कुछ और पूछ रहा होगा या कुछ ही और तरीके से पूछ रहा होगा आप मुझे पेज नंबर वगैरह बताना तो मैं इसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना पेज नंबर वगैरह उस पेज उस क्वेश्चन का तो मैं ट्राई कर लूंगा सो थैंक यू एवरीबडी एंड ऑल द बेस्ट कल मिलते हैं सेम टाइम पे सेवन थर्टी पी एम और कल पढ़ेंगे अपन लोग स्पेशल डायोड्स नंबर नंबर कभी और दे दूंगा यार कोई नहीं ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट